हरिहर सभी को। यह प्रस्तुति आदरणीय पूजनीय अग्रहरि नागराज जी द्वारा अनुसंधानित मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। यह प्रस्तुति केवल एक समझ का प्रस्ताव है जिसे आपको अपने में जांचने के बाद स्वीकारना होता है। यह पार्ट वन को सुनकर पार्ट टू अध्ययन और व्यवहार अभ्यास के लिए प्रेरणा है। और कुछ गलतियां हो सकती है तो उसे कमेंट सेक्शन में करेक्ट किया जा सकता है। धन्यवाद। जिसे दूसरों से अपेक्षा नहीं, वह नित्य और निरंतर सत्य ही बोलता है, क्योंकि प्रकृति में नियम है। मानव अपनी अपेक्षा पूर्ति के क्रम में गलती करता है, जबकि वह मूलत गलती करना नहीं चाहता। मध्यस्थ दर्शन। अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, अस्तित्व में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है, अस्तित्व में व्यवस्था ही व्यवस्था है, अस्तित्व ही सृष्टि का मूल कारण है, अस्तित्व में हर इकाई पूर्णता के अर्थ में गति करती है, गति रहित कोई इकाई नहीं है, अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था, अच्छी निश्चित दूरी न पहचानना ही अव्यवस्था है। अकेले में मानव के जीवन में जो कोई कार्यक्रम नहीं है, अधिक शक्ति कम शक्ति से व्यक्त होती है। अपनी अक्षमता का प्रतीक ही क्रोध है, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग ही विकास है, अपने भीतर की आंदोलनों से मुक्त होना ही तृप्ति है, अपने अधूरेपन का स्वीकार हो जाना ही समीक्षा है। अच्छा लगना अच्छा होना नहीं है, अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। अनुशासन ज्यादा नहीं चलता, समझ ज्यादा चलती है। अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति विद्यालय है। जो उपयोगी नहीं है वह अस्वीकृत है। जो जिस को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है वो उसके लिए अपना तन मन धन लगाता ही है। जब कमाते हैं तब गवाते नहीं, जब गवाते हैं तो कमाते नहीं। जो जिसको पाने के लिए तीव्र इच्छा करता है वह उसे पाकर ही तृप्त होता है। जिसके पास जो होता है वह उसे बांटेगा ही। जो जिसको बांटेगा वह उसके पास आ जाएगा। जागृत पथ पर कदम रखते ही सारा पाप ताप शाप शांत हो जाता है। जागृति की निरंतरता ही मानव परंपरा सहज महिमा है। जो था नहीं वह होता नहीं, जो है वह था नहीं था ही। जो जिस स्थिति में पाया जाता है वह स्थिति ही उसका कारण है। जो जिस काम के लिए बनी है उस चीज को उस काम के लिए उपयोग करना ही उसकी उपयोगिता है। जब संबंध नहीं है तो पैसा एक मात्र शरण है। जीवन में भ्रम होता है, मानव में आवेश होता है। जीने का पर्पस नहीं है तो मनोरंजन ही मजबूरी है। जीने दो और जियो, ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत। सिंधु से बिंदु, बिंदु से सिंधु। सही की रोशनी में भ्रम समीक्षित हो जाता है। सही के रेफरेंस में गलती समझ में आती है। सही सामने आता है तो सही समझ में आता है। सर्वशुभ में मेरा शुभ समाया हुआ है। समझना हॉल टू पार्ट है और जीना पार्ट टू हॉल है।
हॉल समझ में आ जाए तो पार्ट को समझ पाएंगे। समझा तो देखा नहीं, समझा तो नहीं देखा, समझ तो देखा नहीं, समझा समझ तो दे समझा तो देखा नहीं, समझा तो नहीं देखा। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। समझने के लिए ध्यान देना ही ध्यान देना है, समझने के बाद ध्यान बना ही नहीं रहता है, समझने के बाद ध्यान बना ही रहता है। सदवे ही कमाई का प्रयोजन है, अपव्यय ही गवाई है। संबंध को बनाना नहीं है, संबंध को पहचानना है। संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। संबंध है तो प्रतिफल नहीं, प्रतिफल है तो संतोष नहीं। व्यवस्था को बनाना नहीं है, व्यवस्था को पहचानना है। सत्य बोध न हो पाना ही बुद्धि का शोभ है। सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं इंद्रियां नियंत्रित रहती है। सर्व शुभ के लिए हरिहर मानव सुखी होना चाहता है, लेकिन अभी उसकी इतनी योग्यता नहीं है कि वह दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं का निर्धारित कर सके। अपनों के साथ शिकायत मुक्त और तृप्ति के साथ जी सके, ऐसी योग्यता अभी हमारे पास नहीं है। हम 5 इंद्रियों का उपयोग कर 4 विषयों के लिए जिंदा हैं। एक जानवर भी इनका उपयोग कर जिंदा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के जरिए हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन करते हुए जिंदा है। परंतु मनुष्य को जानवरों की तुलना में 2 वरदान मिले हैं, जिनमें से एक है कल्पनाशीलता और दूसरा कर्म स्वतंत्रता है। इसलिए मानव सम्मान सम्मान के साथ जिंदा रहना चाहता है। इसलिए मानव सम्मान के साथ जीना चाहता है। धन, बल, रूप और पद से सम्मान पाना चाहता है। जानवरों के लिए सम्मान के साथ जीना अनिवार्य नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। मानव के लिए यह अनिवार्य है और आवश्यक भी है। मानव सुखी होना चाहता है। परंपरा में इसके 2 मार्ग है, पहला भौतिकवाद, दूसरा आदर्शवाद। भौतिकवाद कहता है कि शरीर में सुख है तो सुविधा में सुख है, सुविधा का संग्रह कीजिए, अधिकतम संग्रह करने से सुख होंगे। लेकिन मूल में देखे तो यह अव्यवस्था का स्वरूप नजर आता है। दूसरी ओर आदर्शवाद कहता है तो को देखे तो सुखी रहने के लिए ईश्वर परमात्मा में मन लगाइए, इसके लिए भक्ति कीजिए। भक्ति के लिए विरक्त आवश्यक है, इसके लिए न्यूनतम में जीना होगा। ईश्वर को पाना पाना है, यह संसार माया है। सभी ग्लोबल वार्मिंग पढ़े लिखे लोगों के कारण है या अनपढ़ के कारण, फैमिली वार्मिंग पढ़े लिखे लोगों के कारण है या अनपढ़ के कारण। न्यूनतम का मॉडल परिवार का मॉडल नहीं हो सकता। एक परिवार दूसरे से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ऐसी योग्यता हमारे परिवार में नहीं आई है। कोई PhD हो या अर्थशास्त्री हो, यह योग्यता हम में नहीं आई आई है कि हम दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके। अपनों के साथ शिकायत मुक्त जिया जा सकता है, तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है, ऐसी योग्यता हमारे पास नहीं है। अस्तित्व इज इक्वल टू सह अस्तित्व। सह अस्तित्व को समझना, जीना समझना, जिंदा रहना और जीना क्या है, जिंदा रहना। चार विषय आहार, निद्रा, भय, प्रजनन और मैथुन। 5 इंद्रिय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मानव 5 इंद्रियों का उपयोग कर 4 विषय पूर्वक अपने को जिंदा रखता है, या कहे मानव 4 विषयों और 5 इंद्रियों का उपयोग कर सुखी होने की कोशिश करता है। जीना दुख, भय, अभाव, अनिश्चितता, सुरक्षा और स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना। जिंदा रहने में विश्वास और जीते रहने के प्रति विश्वास। मानव को 2 वरदान भी है, कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता, जिसके कारण मानव में सम्मान पहचान की चाहत है। लेकिन मानव भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता के कारण सुखी नहीं रह पाता।
किसी परिस्थिति का हम सामना नहीं कर पाते तो क्रोध करते हैं। क्रोध वास्तव में अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है। डांटना कमजोर होने का लक्षण है। हम भाव और विचार के साथ जीते हैं। यदि मेरे भाव में अभाव है और विचार में अंतर्विरोध है तो जीना नहीं होता। भाव और विचार की क्वालिटी ही मेरा सुखी दुखी होना है। दूसरा मेरे भाव और विचार को प्रभावित कर देता है। इसलिए मैं सुखी दुखी हो जाता हूँ। तो अक्षमता ही मेरे सुख दुख का कारण है। मेरे घर की क्वालिटी कोई भी अच्छा कर सकता है। मेरे शरीर के लिए दूसरा सहयोगी हो सकता है, पर मेरे भाव और मेरे विचार सुख दुख के कारण होते हैं। मेरे भाव विचार की क्वालिटी को मैं ठीक कर सकता हूँ। सूत्र: सद्व्यय ही कमाई है, अपव्यय ही गवाई है। इसलिए इस शिविर में बने रहने के लिए तीन बातों पर ध्यान देना होगा। अपने लिए सुनना, केंद्र में स्वयं को रखना, अपने जीवन के उदाहरण से समझना। व्हाइट बोर्ड के साथ साथ चलेंगे। मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो और हमेशा दूसरों के लिए स्वीकार्य हो जाए। स्वयं के प्रति विश्वास में कमी, इसी कमी से दूसरों से प्रभावित होता हूँ। यही मैं पहचान पाता हूँ, यही मेरी योग्यता है। मेरे भाव और विचार में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान का विरोध और भविष्य की चिंता है तो मैं दुखी होता हूँ। दूसरों की अयोग्यता से मैं प्रभावित न होने होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना ही मेरी अयोग्यता है। हम दूसरों की अयोग्यता को भी ठीक करने की इच्छा रखते हैं, पर हमारी इसकी योग्यता नहीं। जिंदा रहने का विश्वास और जीने का विश्वास दोनों अलग अलग है। दोनों मुझ में ही हैं। जिंदा रहने के प्रति विश्वास आ जाए, यह शिक्षा कर रहा है। जीने का विश्वास आ जाए तो वह शिकायत मुक्त हो जाएगा। यह संबंध के प्रति विश्वास के रूप में दिखता है। शिकायत मुक्त होकर जीने का सुख। मेरी मानसिकता जीवन भर शिकायत मुक्त हो जाए, मेरे संबंध जीवन भर शिकायत मुक्त हो जाए तो समृद्ध परिवार हो सकता है। अभाव मुक्त परिवार, गरीबी, साधन की कमी और उसी कमी का एहसास भी होना, अमीरी, साधन की अधिकता पर अभी भी कम होने का ऐसा, समृद्धि, साधन की कमी भी नहीं और उसका एहसास भी नहीं। वस्तु की कमी न हो और कमी का एहसास भी न हो। अभाव का अभाव होना, आवश्यकता से अधिक का भाव होना। हम सभी ऐसा होना चाहते हैं। पूरे विश्व के सभी परिवारों का जीने का स्वरूप एक होगा। भावपूर्वक जीना होता है। शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार होना चाहते हैं। जिंदा रहने का डिजाइन किसी भी भौगोलिक स्थित पर निर्भर करता है। सूत्र: जो जिसके पास है वह उसे बांटेगा ही। दूसरे परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, यह समाज सूत्र है। सभी परिवार ऐसा ही कर सकते हैं, यही समाज और व्यवस्था का स्वरूप है। जिंदा रहना, संवेदनहीनता, जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता। संवेदनशीलता, जिंदा रहने के अर्थ में मैं अपने तन मन धन को लगाकर प्रसन्न होता हूँ तो मैं संवेदनशील हूँ, यह संज्ञानशीलता के नजदीक है। हम जिंदा रहने और सुविधा को जीना मान रहे हैं। संवेदनशीलता पूर्वक जीने को जीना मान रहे हैं।
माँ, मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी हो जाए, यही यही जीना है। पैसे या सुविधा की कमी और से आदमी दुखी हो सकता है। पैसे या सुविधा होने से आदमी सुखी नहीं हो सकता। था धरती की सारी प्रक्रिया किसी नियम से है। मानव के शरीर में ताकत है और सोचने की ताकत है, इसका क्या उपयोग करना है? यह मानव का धरती में योगदान होगा। धरती के सभी मानवों के पास सोचने की असीमित ताकत है और पूरी सृष्टि मानव के समझने के लिए है। मानव अपनी इस ताकत से समझ सकता है, हर मानव समझ सकता है। समझने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है। मानव के लिए परिवर्तन प्रयोगशाला है, जिससे मानव की समझ प्रमाणित होती है। जीना विश्वास के साथ होता है। यदि मुझे खाना बनाना है आता है, तो खाना बनाने की खुशी, खाना बनाने का विश्वास रहता है। लेकिन खाना बनाते समय सासू माँ की बात अच्छी नहीं लगती, तो खाना बनाते समय भी खुशी नहीं आती। यानी रहने वाला विश्वास जीने के विश्वास को निगल जाता है। यदि मन खुश नहीं है, तो भौतिक चीजें भी अप्रिय लगती है। जब हम समाधान के साथ होते हैं, तो विश्वास के साथ होते हैं। प्रश्न: हम समस्याओं से दुखी होते हैं या फिर समाधान नहीं होने से दुखी होते हैं? उत्तर: हम समाधान नहीं होने से दुखी होते हैं। समस्या तो एक अवसर की तरह है, समाधान का न होने ही समस्या है। समस्या मेरे मन में होती है। सूत्र: हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर कोई कुछ अलग करना चाहता है, हर आदमी अपने को प्रमाणित करना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद को अपनी नजरों में प्रमाणित करना चाहते हैं, परंतु दूसरों की नजरों में प्रमाणित करने की चाहत में खुद की नजर को भूल जाते हैं। जब हम दूसरों की नजरों में प्रमाणित होना चाहते हैं, तो हमारा नियंत्रण दूसरों के हाथों में होता है। मानव जाति के पास मूल प्रश्न केवल दो ही है: क्यों जीना, कैसे जीना। इन दोनों सवालों का पता करने के कंटेंट का सिलेबस है। संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। अभी हम सारा काम कैसे जीने पर कर रहे हैं, जिंदा कैसे रहे, इस पर पूरा फोकस किए हुए हैं। क्यों जीना के प्रश्न पर हम ध्यान गया रहे हैं। जिनके पास क्यों जीना कैसे जीना का प्रश्न है, वह विद्यार्थी है। उसकी विद्यार्थी है। उसकी उम्र 80 साल हो सकती है। क्यों जीना कैसे जीना का उत्तर जिनके पास है, वह शिक्षक है, वह माता पिता है। इसकी उम्र 26 साल हो सकती है। जहाँ यह कार्य होता है, वह विद्यालय है। आज विद्यालय को घर होने की जरूरत है, घर को विद्यालय होने की आवश्यकता है। सभी को यह उपलब्ध हो जाए, यह समाज और व्यवस्था है। आज का हमारा घर हमारे लिए है या दूसरों को कैसा दिखे, इसके लिए है। हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है। आदमी होने की पहली योग्यता संवेदनशीलता है। सर्व शिविर में एक सर्व किया गया, जिसमें हम क्यों जी रहे हैं, इसका स्वनिरीक्षण करने कहाँ गया, जिसमें 41 लोगों ने कहा पता नहीं, 30 लोगों ने कहा परिवार के लिए, 12 लोगों ने कहा समाज के लिए, 11 लोगों ने कहा मर
नहीं सकते, इसीलिए 10 लोगों ने कहा कभी सोचा ही नहीं क्यों जीना। सूत्र, इस धरती के समस्त मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। हम सुख को बढ़ाने और दुख को कम करने का प्रयास करते हैं। जिंदा रहते हुए मानव जो कुछ भी करता है वह अपनी समझ के अनुसार अपने दुख को कम करने या सुख की तलाश में करता है। हमारी मूल चाहत निरंतर सुख है। मैं जो कुछ भी करता हूँ, अच्छा दिन करता हूँ, बुरा करता हूँ, पाप करता हूँ, पुण्य करता हूँ, सही करता हूँ, गलत करता हूँ, मेरी समझ में वह मेरे लिए सुखदायी लगता है, मैं वही करता हूँ, तो फिर त्याग क्या है? मनुष्य जो कुछ करता है वह अपने सुख होने के लिए करता है, तो सुखी होने के लिए करता है, तो फिर त्याग क्या है? उदाहरण, एक व्यक्ति 65 बार रक्तदान करता है बिना किसी आर्थिक और प्रचार की अपेक्षा के, तो यह करता है क्या है? तो यह क्या है? रक्तदान दूसरों के जिंदा रहने में सहायक होता है, जीने में नहीं। इसलिए रक्तदान करने में हमें संतोष मिला, यह हमारा सुख है। उदाहरण, मैं शिक्षक हूँ, मैं अपने 4 भाई बहन को पढ़ाने, उनका जीवन बनाने, खुद विवाह नहीं किया, ऐसा करके मैंने त्याग किया। जवाब, जब आपस में प्यार होता है तो मैं प्यार समझ कर करता हूँ, लेकिन समय के साथ प्यार कम हो जाता है तो फिर उसे मैं त्याग कहने लगता हूँ, जबकि वह प्यार था। मैं मानव के हर निर्णय के पीछे मूल कारण सुखी होना है। इसके लिए हम अनावश्यक का त्याग कर देते हैं, अनावश्यक को संभाल कर रखते हैं। देश की सुरक्षा के लिए जान दे देना, जवान को देश की सुरक्षा के सामने खुद के प्राण अनावश्यक लगा, इसलिए उसका त्याग कर दिया। आप ऐसा करके सुखी होते हैं। किसी का सुख बहुत सारे लोगों के दुख का कारण होता है, किसी का सुख बहुत सारे लोगों के सुख का कारण बन जाता है। सुखी होने के लिए कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। जो अनावश्यक होगा वह अपने आप छूट जाएगा, जब अच्छाइयां त्याग और कुर्बानी के साथ होगी तो उसका महिमा मंडन होगा, वह पूजनीय हो जाएगी, उनका विस्तार फैलाव मल्टीप्लाई नहीं होता। यदि वह सबके लिए प्राणदायक हो जाए तो अमर हो जाएगी। मैं वस्तुओं के नहीं मिलने से दुखी नहीं होता, बल्कि भावना मिलने से दुखी होता हूँ। मेरे संबंध के प्रति विश्वास नहीं किया गया, मेरे प्रति विश्वास नहीं किया गया तो मैं आहत होता हूँ, तो फिर तो वह प्रक्रिया करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सुख स्वीकृति के भाव में जीना, सुखी होने का दुखी होने का नियम सभी के लिए एक है। जो स्वीकार है हम उसे सुखी होते हैं, हम उससे सुखी होते हैं। सुख क्या है? व्यवस्था को समझना सुख है, व्यवस्था को जीना सुख है, व्यवस्था को समझना सुख है। सुख समाधान समस्या दुख है। जिए और जीने दो, या जीने दो और जियो, या जियो। धरती में मिट्टी का जीना, पेड़ पौधों के लिए सारी ताकत उपलब्ध कर देना है। पेड़ अपने पत्तों से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर समृद्ध करते हैं।
जीने देना ही जीना है। धरती में चार व्यवस्था, पदार्थ अवस्था, समस्त जड़ तत्व मटेरियल, संसार पदार्थ अवस्था है। यह मात्रा विधि से स्वनियंत्रित है। लोहा अपने को पहचानता है और आचरण भी करता है। प्राण अवस्था, समस्त वनस्पति संसार जो बीज विधि से स्वनियंत्रित है, बीज विधि से इसका आचरण नियंत्रित है। जीव अवस्था, इसमें इसमें समस्त प्राणी संसार आते हैं, ये वंश परंपरा से नियंत्रित है और निर्वाह करते हैं। तीनों अवस्था एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं और एक दूसरे को के जीने में सहायक है। ज्ञान अवस्था, ज्ञान अवस्था को मानव कहा, वह संसार विधि संस्कार विधि से निर्वाह करता है। जीने के लिए जो स्वीकृतियां है उनका नाम संस्कार है। मानव जैसा मानता है वैसा जीता है। शिक्षा वह कार्यक्रम है जो आचरण से मानव बना दे। चारों अवस्था में मानव के संबंध को नहीं पहचानने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आई। मानव परिवार समाज मानवीकृत व्यवस्था, इनके बीच संबंधों को पहचानने और निर्वाह नहीं करने के कारण फैमिली वार्मिंग की समस्या हो रही है। प्रकृति में व्यवस्था का स्वरूप है और हमारे व्यवस्था का स्वरूप और हमारी व्यवस्था का रूप शासन व्यवस्था। प्रकृति में व्यवस्था का स्वरूप, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। हर इकाई का आचरण निश्चित है। हर इकाई अनुशासित है। हर इकाई स्वनियंत्रित है। सभी इकाइयां एक दूसरे के पूरक है। व्यवस्था का स्वरूप नीचे से ऊपर है। हर इकाई स्वयं में शक्ति संपन्न है। जीवन में शिक्षा ही सबसे बड़ा खर्च है। किसी व्यक्ति में तकनीकी स्किल में कमी होगी तो उसे 6 महीने के अभ्यास से सीखा जा सकता है। आदमी तैयार होना एक बड़ी घटना है। धरती की चारों अवस्था में मानव ही है, जिसे मानव रूप में तैयार होने में 25 साल लग जाते हैं। बच्चा असीम संभावनाओं के साथ पैदा होता है। हमने बच्चों को उनके जिंदा रहने में सहयोग दिया है, जीने में नहीं। सूत्र, मानव का मूल रूप विचार है। मेरी शक्ल मेरा रूप नहीं है। यदि मेरे विचारों में स्पष्टता है, मेरी योजना में स्पष्टता है, तो मुझ में आत्मविश्वास आता है। मेरा शरीर एक बायोलॉजिकल पार्ट है। मेरे शरीर के काले होने गोरे होने से फर्क नहीं पड़ता। मेरी कमाई हुई मेरे विचार है। मेरी कमाई हुई चीज मेरे आचरण है। यदि मेरे विचार सुंदर है तो मैं सुंदर आदमी हूँ। मेरे विचार कुरूप है तो मैं कुरूप व्यक्ति हूँ। किसी समाज या परिवार के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके बच्चे हैं। हम बच्चे पैदा कर उसे आउटसोर्स हम बच्चे पैदा कर उसे आउटसोर्स कर रहे हैं। यह हमारा गैर जिम्मेदाराना कार्य है। बच्चों के सोचने का तरीका कैसा हो वह काम माँ बाप का है। घर रूट बनाने के लिए और है और स्कूल पुष्ट करने के लिए। आज की स्कूलिंग में बच्चों को कुछ मिले न मिले, कुछ लोगों को रोजगार जरूर मिल जाता है। सूत्र, सदैव ही कमाई है जो निरंतर सुख तक पहुंचा दे वह सदैव है। क्रिया शक्ति का जागरण हो जाए। क्रिया शक्ति शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनसे ऊर्जा का लीकेज होता है।
हम अपनी कल्पनाशीलता, आशा, विचार, इच्छा में नकारात्मक विचार लाते हैं तो ऊर्जा का अपव्यय होता है। यही मिस मैनेजमेंट है। जितना अपव्यय होगा उतना मैं अपने में आत्मविश्वास को कम पाता हूँ। ऊर्जा अपव्यय को हम मॉडर्निटी और जिंदगी मानते हैं। इंद्रिय सुख अपव्यय है। किसी की सफलता को देखता हूँ तो मुझे ईर्ष्या होती है, लेकिन जब सफलता के साथ मैं उसकी मेहनत को देखता हूँ तो ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा देखता हूँ। सही के साथ होना भी मेरी चॉइस है। सही के साथ जीना भी मेरी चॉइस है। सही के साथ जीने के लिए वातावरण को बदलना भी मेरी चॉइस है। जो अकेले चलते हैं उनके उनके उनको साथ मिल जाता है। जो समूह में चलते हैं वे अकेले पड़ जाते हैं। बच्चों को छोटी गलतियां करने दे। यदि अभी सीखने के क्रम में छोटी गलतियां करेंगे तो बाद में बड़ी गलतियां नहीं करेंगे। बच्चों को भी सुरक्षा का दायरा पता है। थोड़ी चोट खाकर वह संभलना सीख जाता है। वह ऐसा करके आग, पानी, खाना को पहचान लेता है। गलती दुख। सूत्र: मानव मूलत गलती नहीं करना नहीं चाहता। व्यक्ति खुद को सही सिद्ध करना चाहता है। यदि उसकी नेचुरल चाहत है यह सही को पहचानने के क्रम में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसे गलती कहना नहीं सही नहीं। मानव पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। वह पूर्णता का प्यासा है। उसे अधूरापन स्वीकार नहीं है। वह पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है और ऑब्जर्वेशन करता है। मानव मूलत दुखी नहीं होना चाहता, इसलिए गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि गलती करने से वह दुखी अनुभव करता है। लेकिन सफलता पाने के क्रम में वह कुछ गलती कर लेता है और मान लेता है कि गलती कर सफल हो सकता हूँ, इसलिए गलती कर लेता है। सूत्र: सही का मूल्यांकन होता है। भ्रम की समीक्षा होती है। सही की रोशनी में भ्रम समाधानित हो जाता है। सही समझ में आ जाए तो जीना समझ में आ जाता है। जीना समझ आ जाए तो संवेदनशीलता का उद्देश्य समझ आ जाता है। सभी का मन शांत हो जाएगा तभी परिवार में शांति होगी। हम एक दूसरे को सुनना चाहते हैं। रूटीन में हम संवाद नहीं करते हैं। हम हर बात मनवाना चाहते हैं, इसलिए साम, दाम, दंड, भेद को अपनाते हुए बात करते हैं। परिवार में संवाद नहीं हो पाती। चर्चा नहीं करते हुए हम अपनी बात करवाने की कोशिश करते हैं। अपने से बात होती है तो अपनों से बात हो ही जाती है। जब दूसरों को सहमत करने की कोशिश करते हैं तो वह व्यक्ति असहमत होता है। जब हम उसके सामने प्रस्ताव को के रूप में रखते हैं तो वह उसे समझने का प्रयास करता है। यदि हमें अपनी बात मनवानी है तो हमें दूसरों की बात है मानना सीखना होगा है मानना सीखना होगा जिससे जो पाना चाहते हैं वह उसे दे दो। महापुरुषों की कहानियां पढ़ने से अच्छा लगता है। जीने की प्रेरणा मिलती है।
मिलती है, पर मेरी परिस्थितियों में जीना नहीं सिखाता। मोटिवेशन किसी दूसरे के प्रभाव में हम उस वातावरण के अनुरूप हो जाते हैं। कुछ देर तो यह रहता है, लेकिन बाद में प्रभाव नहीं रहता। ट्रांसफॉर्मेशन यह वह पूंजी है जिससे मैं हमेशा के लिए बन जाता हूँ। मेरे और मेरे परिवार में वह योग्यता आ जाए कि मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए। घर वह सफल जगह है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सूत्र: विद्यालय अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति ही विद्यालय है। सूत्र: शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान की प्रतिष्ठा हो पाई होती तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। जब जिंदा जिंदा देवता हमें नहीं मिला तो हमने पत्थर को भगवान मान लिया। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान की प्रतिष्ठा हो जाए तो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, विद्यालय हो जाएंगे। यदि शिक्षा से मानव में ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं हुई तो ये विद्यालय भी सांप्रदायिक हो जाएगा। जिस दिन विद्यालय के सामने से निकलते हुए मानव मत्था टेकने लग जाए उस दिन विद्यालय सफल हो जाएंगे। मंदिर मन के अंदर प्रवेश कर जाना, इसका नाम मंदिर है। हर क्षण में अपने आप का स्वनिरीक्षण कर पाऊं, यह आदत में आ जाए। दोपहर सत्र: समझ जो चीज जैसा है उसे वैसा ही जानना। भ्रम जो चीज जैसा है उसे अन्यथा मान लेना। अधिमूल्यन जो चीज जैसा है उसे अन्यथा मान लेना। अभाव अवमूल्यन जो चीज जैसा है उसे कम मान लेना। निपुरलन कुछ को कुछ समझ लेना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा मानते हैं वैसा करते हैं। मानव के बारे में एक चीज सबने कॉमन है, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्थान का हो, वह जैसा मानता है वैसा ही जीता है। यदि किसी को दुश्मन मान लिया तो दुश्मन की तरह जीता है, किसी को दोस्त मान लिया तो दोस्त की तरह जीता है। मानव को मानव इसलिए कहा क्योंकि वह मन से संचालित होता है। मानव मन से संचालित है इसलिए वह मानता है और मानता है। मानने मनाने में एक दूसरे को नियंत्रित करने की बात आ जाती है, लेकिन मैं खुद को जैसा मानता हूँ दूसरा मुझे वैसा नहीं मानता। मानव में दो प्रकार से मानना होता है, बिना जाने मानना, जानकर मानना, पर नियंत्रण। कभी मैं भय से मानता हूँ, कभी लालच से मानता हूँ, कभी आस्था की वजह से मानता हूँ। मानव का मूल रूप विचार है। विचार कैसे भय, प्रलोभन, आस्था से नियंत्रित होता है यह जानकर वह विचार करता है तो आदमी का पूरा व्यवहार समझ में आता है। इसमें पूरी पकड़ आ जाए, पूरा संस्कार किसी नियम से है, पूरा संसार किसी नियम से है, समझ में आता है तो जीवन एक उत्सव है, ऐसा समझ आता है। अच्छाइयों को बिना जाने मानने का नाम आस्था है। अच्छाइयां सच्चाइयों को जानकर मानने का नाम विश्वास है। प्रश्न: धरती के सारे मानव कितने प्रकार
से भयभीत होते हैं, क्या उसे गिना जा सकता है? धरती के सभी मानवों को केवल चार प्रकार के भय हैं, प्राण भय, धन भय, पद भय, मान भय। सुख क्या है? व्यवस्था को समझना सुख है, व्यवस्था को समझना सुख है। एक मानव अपने को जीतना सफलतापूर्वक भय, प्रलोभन, आस्था से नियंत्रित कर लेता है, उतना दूसरों को भय, प्रलोभन, आस्था से नियंत्रित नहीं कर सकता। सारी धरती में एक ही समस्या है, चलेगी चलेगी किसकी? जिसकी चलेगी उसका वजूद है। जिसकी एक बार चल गई वह सुनिश्चित करता है कि उसकी चलती रहे, और मैं न रहूं तो मेरे अनुयायियों के जरिए मेरी चलती रहे। हर कोई एक दूसरे को नियंत्रित करना चाहता है। जब तक वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो दूसरों को नियंत्रित करके खुशी पाना चाहता है। दूसरों को नियंत्रित कर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाने के अंग को पुष्ट करता हूँ। हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है। हर मानव अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। सही समझ में नहीं आया तो वह बलपूर्वक गलती करता है। जब तक उसे समझ नहीं आ जाता तब तक अधिकार पूर्वक गलती करता है। उसे अच्छाई का ज्ञान, अच्छाई की समझ नहीं है। सुख समझना चाहते हैं तो पूरी प्रकृति में कहीं भी शासन नहीं दिखता। मानव की एक भी व्यवस्था शासन से मुक्त नहीं है। हमें आदमी की समझ नहीं, इसलिए हमें न व्यवस्था की समझ न शासन की। जिंदा रहने और जीना दोनों अलग है। जिंदा रहना आवश्यक है। जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता। भय से ज्यादा प्रलोभन अच्छा लगा, प्रलोभन से ज्यादा अच्छा आस्था को माना। यही मनमानी की धरती के सभी मानव समझ सकते हैं। यह विश्वास हमें तर्क ने दिया। पशु मानव में अंतर केवल समझने का है। सभी समझ सकते हैं, पारदर्शी व्यवस्था ला सकते हैं, सभी जी सकते हैं। यदि यदि जड़ संसार को सुविधा से समझा जा सकता है तो हम समझ पाए तो जीने को तर्क से समझ सकते हैं। चैतन्य संसार को शिक्षा पूर्वक समझा जा सकता है। संबंधों का उजड़ा हुआ संसार भी तर्क पूर्वक समझा जा सकता है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, स्वीकृति में सुख है। स्वीकृति व्यवस्था के लिए मेरा मन व्यवस्थित रहे। यह कैसे पता चलेगा? जब जब मैं भाव और विचारों से सुखी रहता हूँ तब मैं खुद को व्यवस्थित पाता हूँ। जब मैं दुखी होता हूँ तो अव्यवस्थित पाता हूँ। प्रकृति में सभी व्यवस्था हार्मनी में है। पदार्थ अवस्था मात्रा विधि से नियंत्रित है। प्राण अवस्था बीज विधि से नियंत्रित है। जीव अवस्था वंश विधि से नियंत्रित है। यहाँ सब कुछ हार्मनी में काम कर रहा है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। जब जब तक इकाई स्वयं में व्यवस्थित नहीं है तब तक वह व्यवस्था में भागीदार नहीं हो सकता। शासन पूर्वक व्यवस्था नहीं हो सकती। सूत्र जो स्वयं स्वनियंत्रित है उस पर शासन नहीं किया जा सकता है। जो स्वनियंत्रित नहीं है उस पर शासन करना आवश्यक है। मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा भाव विचार मेरी जिम्मेदारी है। अभी मेरा खुश होना दूसरों की जिम्मेदारी है। मैं नाराज हूँ तो दूसरों से दुखी हूँ। हर व्यक्ति की
एक सोचने समझने की शक्ति है। अब समझ आया कि मेरी जिंदगी का रिमोट मेरे हाथ में नहीं है। जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा नहीं हूँ, मेरी जिंदगी को दूसरे चला रहे हैं। मैं किसी दूसरे के प्रभाव में निर्णय लेता हूँ। दूसरे की मकान, साड़ी और गाड़ी देखकर खुद की आवश्यकता को निर्धारित करता हूँ। प्रभाव वह मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ। मैं दूसरों के दबाव में आकर निर्णय लेता हूँ। मैं दबाव मुझे लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन समाज में सभी ऐसा करते हैं, इसलिए मैं उसे दबाव में आकर करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर नहीं हूँ, इसलिए कभी मन जैसे जैसे चाहता है वैसा करता हूँ। कभी इंद्रियों के दबाव में कभी कुछ कर लेता हूँ। कभी समाज में रूप बल धन पद से पहचान के दबाव में कुछ और कर लेता हूँ। किसी के दबाव और प्रभाव में जिंदगी चल रही है, इसलिए यह कहीं नहीं पहुंचेगी। हमें बढ़िया मकान बनाना पता है, क्योंकि हमें मकान बनाने में स्पष्टता है। तो क्या मैं अपना जीवन कैसा हो इसकी स्पष्टता नहीं ला सकता? मानव के पास सोचने समझने की असीम क्षमता है। समझने का कितना भी उपयोग दुरुपयोग करूं, यह खत्म नहीं होता। हमें जिंदा रहने को जीना मानकर चल रहे हम जिंदा रहने को जीना मानकर चल रहे हैं। यह कितना बड़ा अज्ञान है, कितनी बड़ी हिप्नोटिज्म है। हमें संबंध, सम्मान और अपने होना समझ नहीं आया। जरूर हमने भौतिक सुविधाओं पर सफलता पा ली है, परंतु जीवन का बोझा सिर पर ढोकर चल रहे हैं। जब मैं जीना समझ पाता हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर आ पाता हूँ। स्व-अनुशासन ही स्वतंत्रता है, जानकर मानना ही स्वशासन है। मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। सारी घटनाएं मेरे सुखी दुखी होने के लिए नहीं है, मेरी योग्यता के लिए है। शिक्षा की पहली सफलता नौकरी पाना नहीं है। मैं और मेरा परिवार शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त हो जाना है। शिक्षा की अंतिम सफलता है यह धरती युद्ध से मुक्त हो जाए, मेरे भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी हो और दूसरों के लिए भी सुखदायी हो। मेरे निर्णय के प्रति स्पष्टता होगी, तभी मैं सुखी हो सकता हूँ। सूत्र: शासन व्यवस्थापक नहीं, व्यवस्थापक शासक नहीं हो सकता। जहाँ शासन होता है, वहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती। जहाँ व्यवस्था है, वहाँ शासन की आवश्यकता नहीं है। अब इतना आधार समझने के बाद शिविर शुरू होता है। हमें मानव में व्यवस्था समझ में आ जाए, तो हम परिवार में, समाज में और प्रकृति में व्यवस्था को समझ पाते हैं। वर्तमान में प्रचलित है, मानव की आवश्यकताएं असीम है और साधन सीमित। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो हमारे भीतर असुरक्षा का भाव आता है। जैसे ही असुरक्षित महसूस करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होने संग्रह की प्रवृत्ति आती है। संग्रह करने से शोषण होता है। जिसका शोषण होगा, वह विरोध करेगा, जिससे संघर्ष और युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। यह प्रकृति में
अव्यवस्था का कारण बनेगा। जो मानव सुंदरता के लिए भयभीत है वह रूप का संग्रह करता है। जो धन के लिए भयभीत है वह धन के संग्रह में लग जाता है। जो बल से भयभीत है वह बलशाली होने में लग जाता है। जो पद और मान से भयभीत है वह पद और मान के लिए जुट जाता है। जो जिसके लिए दौड़ रहा है इसका मतलब है वह उसके लिए असुरक्षित होगा होता है। अर्थ संग्रह जो भय से प्रभावित होकर इकट्ठा करे वह संग्रह है। कोष जो व्यवस्था के अर्थ में किया गया हो वह कोष है। मेरे भाव और विचार सही हो यही मेरे सुखी होने का आधार है। स्वनिरीक्षण मानव की आवश्यकताएं। प्रश्न एक, बच्चे के जन्म लेने से मृत्यु तक कितनी आवश्यकताएं हो सकती है? ए रोटी, कपड़ा, मकान, धन, पद, बल, मोबाइल, कार, यात्रा, विवाह, पति पत्नी, आभूषण, लेकिन अस्त्र शस्त्र, ऐसी स्वास्थ्य। यह चीजें मानव की भौतिक आवश्यकताएं हैं। सम्मान, प्रेम, शांति, विश्वास, आनंद, सुरक्षा, परिवार, समाज, वातावरण, मोक्ष, संतुष्टि, विवाह, आचरण, स्वीकार्यता, स्वतंत्रता, न्याय, समझ। यह चीजें मानव की भाव की आवश्यकताएं हैं। हर बालक जन्म से जिज्ञासु है। वह सत्य सत्य वक्ता है, न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। हर बच्चा प्रकृति में पूर्ण है। बच्चा पेट से गलती लेकर नहीं आता, जितना भी सीखता है माँ बाप को देखकर आता है। हम सुधर गए तो परिवार सुधर जाता है। शिक्षा की जितनी आवश्यकता बच्चों की है उससे ज्यादा माँ बाप को है। पैसे से अच्छा काम नहीं होता, पैसा हो तो अच्छी मानसिकता नहीं आता, अच्छी मानसिकता नहीं आती। अच्छी मानसिकता समझने से आती है और अच्छा काम होता है। भौतिक आवश्यकता और भाव की आवश्यकता क्या है? मानव की आवश्यकता दो प्रकार की है। यह शाश्वत है। जब से मानव है तब से है। भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है। भाव की आवश्यकता मन के लिए है। भावपूर्वक जीना होता है। जितनी भी आवश्यकता है वह या तो भौतिक है या भाव की है। भौतिक आवश्यकता सीमित है, यह परिवर्तनशील है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। भाव होने के स्वरूप में असीम है और शाश्वत है। मैं सम्मान में निरंतरता चाहता हूँ। भौतिक आवश्यकताएं धरती के सभी मनुष्यों के लिए अलग अलग है। सभी की आवश्यकता सभी के लिए एक ही है। सम्मान में निरंतरता, भय से मुक्ति सभी चाहते हैं। भौतिक आवश्यकता से मिलने वाला सुख क्षणिक है। भाव का सुख निरंतर शाश्वत है। भौतिक आवश्यकता समय के अनुसार बदलती रहती है। भाव का मतलब ही निरंतर है। भौतिक आवश्यकता स्थूल है, दृश्य है। भाव सुविधा है, भाव सूक्ष्म है, अदृश्य है। यह समझ है। भौतिक आवश्यकताएं खरीदी जा सकती है, संख्यात्मक है, मात्रात्मक है। संग्रह हो जाता है, ये वस्तुएं बनती है, इनका रूप बदलता है। भाव शाश्वत है, पहचाना जाता है। भाव की व्यवस्था ही है, उसे केवल पहचानना है।
संबंध है ही केवल पहचानना है। भौतिक आवश्यकताएं अच्छी लगती है, भाव अच्छा होना है। भाव और विचार, भाव की स्वीकृति भाव है और भाव का विशेषण विचार है। उदाहरण, अस्पताल में 100 माँ इंतजार कर रही है अपने नवजात शिशु का। नर्स एक बच्चा लेकर आती है और 100 में से एक माँ को बच्चा दे देती है कि उस वक्त उस माँ के होने की स्वीकृति आती है। यह स्वीकृति होने के बाद भाव आता है। जिन माँ का बच्चा नहीं मिला उनमें वह भाव नहीं आता। जब उसे दूसरा बच्चा मिलता है तब उसका जब उसे दूसरा बच्चा मिलता है तब उसका भी भाव आता है। उसके पहले वह भाव नहीं आता तब उसका भी भाव आता है। उसके पहले वह भाव नहीं आता। हजारों फ्लैट बन रहे होते हैं जब कॉन्ट्रैक्टर हमें उसे दिखाने ले जाता है तो हमारे लिए सभी निर्माणधीन फ्लैट के प्रति भाव नहीं रहता। जब वह बताया है कि ये फ्लैट आपका है तब हमारा जुड़ाव उस फ्लैट से हो जाता है। जिस क्षण हम उसे अपना मानते हैं उसी क्षण हम उसे स्वीकार लेते हैं। समझ पूर्वक अस्तित्व की हर इकाई पूरे ब्रह्मांड से रिलेट करती है। जैसे मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा प्रदेश, मेरा देश, मेरी धरती, जितना व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है उतना व्यक्ति के भाव का विस्तार होता है। भाव जो भाव है वह किसी नियम से है, नियम की निरंतरता है, इसलिए भाव भी निरंतर हो जाता है। मूल्य की कीमत, हमें पेट्रोल के लिए कितनी कीमत दी। गंभीरता से विचार करें तो हमने पेट्रोल के लिए प्रकृति को कुछ नहीं लौटाया, केवल पेट्रोल को निकालने और हम तक पहुंचाने में जो श्रम लगा है उसकी कीमत दी। आलू की क्या कीमत है? आलू से जो पोषण मिलता है वह उसका मूल्य है। आलू हजारों साल की प्रकृति में बना है। हम इसके लिए कोई कीमत चुका नहीं सकते। उसे उगाने में जो श्रम लगा उसके लिए पैसा देते हैं। बिजली हमें मुफ्त में मिलती है। उसे पैदा करने और हम तक पहुंचाने में जो मानव श्रम लगता है हम उसकी कीमत चुकाते हैं। बिजली पैदा करने के लिए प्रकृति से जो कोयला और पानी लिया उसके लिए कोई कीमत नहीं चुका सकते। ऐसा जानकर ही हम किसी की उपयोगिता जान पाते हैं। भोजन से शरीर को जो ताकत मिलती है वह सीमित होती है। सोचने की क्षमता असीमित है। दोस्त के घर हम कैसे रहें? मान लीजिए मेरा दोस्त मुंबई में रहता है और मैं परिवार सहित मुंबई गया, दोस्त के घर ठहरा। तब मैं दोस्त के घर का ख्याल रखता हूँ कि गंदगी ना फैले, किसी चीज को नुकसान ना पहुँचे। उसकी गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ तो संभल कर करूँ, मेरे कारण दोस्त का परिवार डिस्टर्ब ना हो, इसका पूरा ख्याल रखते हैं। हम मित्र के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। उसी तरह हमें धरती के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जमीन खरीदा है तो केवल उसके उपयोग का अधिकार खरीदते हैं। जमीन का उपयोग नहीं किया तो वह अपराध है। प्राकृतिक संसाधन अमूल्य है। यह खरीदना बेचने की चीज नहीं है, इसलिए व्यापार
को सेवा कहा। यदि किसी के महंगा होने के इंतजार में उसका स्टॉक कर लेता हूं तो वह जमाखोरी अपराध है। प्राकृतिक संसाधन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, उस पर सारी मानव जाति का अधिकार होता है। सारे संसाधन व्यक्ति के लिए है, श्रम से उसे प्राप्त करता हूँ। सूत्र, सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। मेरे सुखी होने के लिए मैं सदुपयोग करता हूँ। मैं पहचान पाया कि मैं उसका मूल्य समझता हूँ। मानव के साथ ही नहीं, वस्तुओं के साथ भी भावपूर्वक जिया जाता है। जब मैं वस्तु का दुरुपयोग करता हूँ तो दुख लगता है। मानव मूल्य, मेरा मूल्य, मेरी उपयोगिता, स्वयं का स्वयं के लिए उपयोगिता आचरण समाधान, स्वयं का परिवार के लिए उपयोगिता आचरण के साथ सुखी हो जाऊं। स्वयं की समाज में उपयोगिता, स्वयं की प्रकृति में उपयोगिता। समझना और समझ पूर्वक सुखी होना स्वयं की स्वयं के लिए उपयोगिता है। क्योंकि सम्मान का भाव असीम है, इसलिए जब रोटी सम्मान के साथ जुड़ जाता है तो रोटी की आवश्यकता भी असीम हो जाती है। जैसे शादी के भोज में रोटी सम्मान की वस्तु बन जाती है। जो जिसका अपव्यय करेगा वह उसे वंचित हो जाएगा। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पूर्ण निरीक्षण कर सकते हैं। मानव की आवश्यकताएं असीम है और साधन सीमित है। ये ऐसा है, मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित सीमित है, साधन भी पर्याप्त है। जिंदा रहने की धरातल पर एक आदमी को सुखी और सम्मानित होने के लिए असीम सुविधा और साधन चाहिए। यानी सुख समझ में नहीं आया, सम्मान समझ में नहीं आया। सूत्र, जीने देना ही जीना है। समाधान पूर्वक स्वयं सुखी होना, यह मेरा सुख है। दूसरों के सुखी होने देने में सहयोगी होना मेरा सम्मान है। यह हर आयाम में क्यों और कैसे जीना का अभ्यास पूर्वक जवाब समझ आना समाधान है। यदि मानव समाधान से सुखी होता है तो वह सुविधा से सुखी नहीं होना चाहेगा। स्वयं के प्रति, स्वयं की उपयोगिता के साथ मैं समाधान से संपन्न हो जाऊं। मेरा सुखी होना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे परिवार के लोग समझदार हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी संबंधों में गीला शिकवा शिकायत इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूं कि मैंने उसके जीवन में बहुत कुछ किया है। मैंने उसके जिंदा रहने के लिए योगदान दिया है। जीने के अर्थ में योगदान करना अलग है, इसलिए कृतज्ञता के भाव की निरंतरता नहीं है। एक बार मैं समाधान से सुखी हो जाता हूँ तो सदैव कृतज्ञता होती है। दूसरे के सुखी होने में योगदान देता हूँ तो सम्मानित महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं खुद समाधानित नहीं हूँ, इसलिए रूप बल धन पद से हूँ। दूसरों को सुखी करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं निरंतर सम्मानित नहीं। समाधान पूर्वक सुखी है दूसरों के समाधान से सुखी होने में मैं
सम्मानित होता हूँ। दूसरे तरीके से रूप बल धन पद से सम्मानित होने की कोशिश करता हूँ। द्वेष ही बढ़ता है होता हूँ। दूसरा तरीका रूप धन पद बल से सम्मानित होने की कोशिश करता हूँ तो द्वेष ही बढ़ता है। सम्मान से सुखी होने का भाव समाप्त हो जाता है। सूत्र ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत। सूत्र सुना हुआ सुनने के काम आता है, समझा हुआ समझाने के काम आता है। और नया अर्थशास्त्र आवर्तनशील अर्थशास्त्र। मानव की भौतिक आवश्यकताएं सीमित है। भोजन एक व्यक्ति एक दिन में 1 किलो भोजन करता है तो साल भर में 365 किलो। यदि वह 80 साल जीता है तो 365 480 इज इक्वल टू 320 क्विंटल भोजन करता है। यानी जीवन भर के लिए 320 क्विंटल भोजन चाहिए। इतना उत्पादन 1/10 एकड़ भूमि में पैदा हो सकता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने में सक्षम है। यानी आवश्यकता से बहुत अधिक उपलब्ध है। कपड़ा साल में हम 4 जोड़ी कपड़ा खरीदते हैं तो 4/80 = 320 जोड़ी कपड़े जीवन भर में। जो चमका हुआ है वह चमकाता है, जो डरा हुआ है वह डराएगा, जो दबा हुआ है वह दबाएगा आपको, दुखी आपको दुख ही देगा, जो समाधानित है वह समाधान देगा। सूत्र जो जिसके पास है वह उसे बांटेगा ही। घर में लिए है या सम्मान के लिए। कार का औसत उपयोग में औसत 1 घंटे ही करता हूँ। 94% समय कार अधिक है। मोबाइल का उपयोग 10% समय ही करता हूँ, बाकी समय मेरे पास अधिक है। जब तक मैं अपनी आवश्यकता क्या है यह पहचान नहीं पाता, आवश्यकताओं को निर्धारित करने की योग्यता नहीं है तो मैं उसे अनिश्चित मानता हूँ। हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। आवश्यकता से अधिक होने के भाव ही अभाव का भाव है, यही समृद्धि का भाव है। हर परिवार समृद्धि के साथ जी सकता है। मानव की भावनात्मक आवश्यकता असीम है। यह समाधान से पूरी होती है। खुशी की बात यह है कि हर मानव में समझने की असीम क्षमता है, इसलिए मानव निरंतर सुख पूर्वक जी सकता है। सूत्र मानव मूलत गलती नहीं करता। थैंक यू। शरीर और मन दोनों अलग अलग है। शरीर स्त्री पुरुष होता है, मैं नहीं। नए शरीर को बनाए रखने के लिए शरीर स्त्री पुरुष होते हैं। शरीर मेरे लिए माध्यम है। शरीर का भार होता है, यह कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसके ग्रोथ के लिए कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे भी कोशिका से बने हैं जिससे शरीर को पोषण मिलता है। शरीर की आवश्यकता भौतिक है। शरीर दृश्य है। मैं यानी मन भारहीन है। इसकी आवश्यकता ज्ञान है, समझ है, भाव है, सुख है। दूध पीने से शरीर को पोषण मिलता है। मुझे इंद्रियों के जरिए स्वाद का अनुभव होता है।
हम कान से सुनते हैं या ध्यान से? जब मेरा ध्यान अपने में होता है तो बाहर कितना भी शोर हो मैं नहीं सुनता, यानी मैं ध्यान देकर ही सुनता हूँ। मैं ध्यान से चलता हूँ, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, मैं ध्यान से देखता हूँ, मैं ध्यान से छूता हूँ, मैं ध्यान से बोलता हूँ। जब मैं ध्यान नहीं देता तो न सुनने का पता चलता है, न देखने का पता चलता है, न खाने का पता चलता है। ठीक वैसे ही जैसे कैमरा रिकॉर्ड करता है पर वह देखता नहीं। कैमरे के सामने किसी का मर्डर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह उपकरण है। लेकिन आदमी के सामने मर्डर हो जाए तो उसे फर्क पड़ता है। उसी तरह यदि लाश की आंख के सामने पेंसिल चुभाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी आंख को जीवित व्यक्ति को लगा दे और पेंसिल ले जाए तो फर्क पड़ेगा। यानी आंख रूपी उपकरण तो ठीक है, ठीक था, केवल देखने वाला मैं हूं, मैं नहीं होता। यानी मानव जो भी करता है ध्यान पूर्वक करता है। सूत्र, समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। इंद्रियों से सुख भोगने वाला भी मैं हूँ और ज्ञान से सुख भोगने वाला भी मैं ही हूँ। मैं क्या हूँ? मैं विवेक और विचार की क्षमता रखता हूँ। मैं सम्मान चाहता हूँ। मैं अदृश्य हूँ। मैं सुखी दुखी होता हूँ। मैं निरंतर सुख चाहता हूँ। मैं शरीर को चलाता हूँ। मेरी भूख विचार और भाव है। मानव में एक भाग शरीर है, दूसरा भाग भाव मन जीना है। पहला भाग शरीर भौतिक है, जिसका भार है, कोशिका से विकसित होता है। शरीर बीमार होता है, इसका इलाज केमिकल से होता है। शरीर की आवश्यकता निश्चित है। इंद्रिय सुख शरीर से संबंधित है। सामान शरीर की जरूरत है। भाव भारहीन है, ज्ञान समझ भाव सुख है। अदृश्य है, असीम है, निश्चित है। सम्मान मेरी जरूरत है। हमें जब दूसरों से बात करनी हो तब मुंह की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपने से बात करने इसकी जरूरत नहीं पड़ती। खुद को देखने आग की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरों को देखने जरूरत पड़ती है। जिंदा रहने की धरातल पर हर व्यक्ति को अलग अलग वस्तु से सुख मिलता है। शरीर ही एकमात्र साधन है जिससे मैं समझ सकता हूँ, इसलिए शरीर को जिंदा बनाए रखना आवश्यक है। मैं कभी हिंदू हो सकता हूँ, कभी मुस्लिम हो सकता हूँ, कभी चोर तो कभी संत। ये सभी आचरण एक शरीर यात्रा में हो सकता है। तो फिर कोमा क्या है? वह स्थिति जब ब्रेन काम नहीं करता। कोमा वह अवस्था है जिसमें मैं हूँ, शरीर भी है, लेकिन ब्रेन में कोई समस्या है, जिसके कारण मैं शरीर से संपर्क में नहीं आ कर मैं शरीर से संपर्क नहीं कर पाता। विज्ञान मानता है कि शरीर को ब्रेन चलाता है। यदि ब्रेन शरीर को चलाता है तो मान्यता और धार्मिक विश्वास का असर नहीं होता। मच्छर के काटने पर मैं महसूस करता हूँ और ब्रेन के जरिए शरीर को आदेश देता हूँ कि मच्छर को मार दो। लेकिन वहीं कोई जैन मान्यता का हो है तो वह उस मच्छर को उड़ा देता है। दोनों स्थिति में मैं ही आदेश देता हूँ। यदि ब्रेन आदेश देता है तो इसमें मान्यता का प्रभाव नहीं होता। यदि आदमी ब्रेन है तो ब्रेन मूलत न्यूरॉन यानी केमिकल से बना है।
उस पर एक केमिकल का ही प्रभाव होगा। कोशिका पर भी केमिकल काम करता है, जबकि आदमी पर सबसे ज्यादा प्रभाव विचारों का पड़ता है। यदि मानव ब्रेन होता तो केवल विचार सुनकर दोस्ती दुश्मनी नक्सली आतंकी शाकाहारी कैसे हो जाता है। सभी मानव की मूल चाहत सुख है, सभी मानव सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, सबकी चाहत एक है, भाव अपरिवर्तनशील वस्तु है। कोई भी लेता हूँ तो मैं निर्णय लेता हूँ और शरीर को नियंत्रित करता हूँ। सूत्र: सुविधा से सुख नहीं, सुख से सुविधा नहीं, श्रम से समृद्धि और समाधान से सुख। सुख निरंतर होता है या सुविधा से नहीं आएगा, यह भाव और विचार से आएगा, यह रूप बल धन पद से नहीं आएगा, सुख से सुविधा नहीं। समझ पूर्वक मेरे भाव और विचार पूर्ण हो गए। केवल समझने से मेरा सोचने का तरीका सही होता है, लेकिन सुविधा तो श्रम से ही पैदा होगी। सुविधा के लिए उत्पादन मैं करूं या कोई और करे, यह श्रम से ही आएगी। शरीर की आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है। शरीर की आवश्यकता सीमित है, मेरी आवश्यकता निरंतर है। शरीर की आवश्यकता के लिए सीमित प्रयास चाहिए, मेरी आवश्यकता के लिए निरंतर प्रयास चाहिए। असुविधा से मैं दुखी हो सकता हूँ, पर धरती की सारी सुविधा संपत्ति मिल जाएगी तब भी मैं निरंतर सुखी नहीं हो सकता। समझ से ही मैं सुखी हो सकता हूँ। 4 दिन की चर्चा का सार: मैं जीवन हूँ, मैं निरंतर सुख चाहता हूँ और समाधान से सुखी होता हूँ। मेरे समाधानित होने के लिए शरीर एकमात्र साधन है। शरीर उपलब्ध होते रहे, शरीर रूपी साधन उपलब्ध होते हैं। इस अर्थ में शरीर स्त्री पुरुष है। शरीर को बनाए रखने के लिए साधन सुविधा आवश्यक है। सुविधा के लिए स्किल एजुकेशन आवश्यक है। तन मन और धन का सदुपयोग हो, इस हेतु समझ आवश्यक है। अभी मैं खुद को शरीर मानता हूँ, निरंतर सुख चाहता हूँ, सुविधा से सुखी होता हूँ। भोगने के लिए शरीर एकमात्र साधन है। इंद्रिय सुख के अर्थ में स्त्री पुरुष शरीर है। शरीर को सुविधा के लिए स्किल शिक्षा चाहिए, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्री है, जिससे ज्ञान जानकारी ग्रहण करते हैं। कान शब्द, आँख रूप, जीभ रस, नाक गंध, त्वचा स्पर्श, इनसे मैं सूचनाएं ग्रहण करता हूँ। कर्मेंद्री हाथ पाव, बोलना, प्रजनन तंत्र, विसर्जन तंत्र, इनसे शरीर कर्म करता है। मैं इससे व्यक्त करता हूँ। किसी भी वस्तु की पहचान उसके कर्म से होती है, उसकी उपयोगिता से होती है। शरीर सोता है, मैं नहीं। शरीर को आराम देने का नाम ही सोना है। मुझे सोने की आवश्यकता नहीं। सोते हुए आदमी में कोई हमेशा जगा हुआ होता है। सूत्र: समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। जीवन क्या है, मैं क्या हूँ? जिस तरह से अस्तित्व में परमाणु और उसी तरह से मैं नाम की एंटिटी अस्तित्व में है,
मैं ब्रेन के जरिए शरीर को चलाता हूँ। ऐसा शरीर जिसमें ऐसा ब्रेन हो जो शरीर की सूचनाओं को मुझ तक पहुंचा सके, और मैं निर्णय को शरीर तक पहुंचा सक और निर्णय को शरीर तक पहुंचा सके। ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स है जिसकी भाषा कंपन है। किसी के साथ अच्छा लगना बुरा लगना मैं पहचानता हूँ। दोस्त गाली दे तो मैं मुस्कुरा देता हूँ, दूसरा गाली दे तो लड़ जाता हूँ। दोस्त को मैं पहचानता हूँ। केवल क्रिया को पहचानकर सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाता है। मैं निर्णय लेता हूँ और ब्रेन के जरिए सूचना शरीर तक भेजता हूँ। कोमा वह स्थिति है जब ब्रेन काम नहीं करता। पागलपन किसी भावना से धक्का लगता है, उसे जीवन की सारी चर्चा डिस्टर्ब उससे जीवन की सारी चर्चा डिस्टर्ब हो जाती है। अंदर सब कुछ चलता है, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, यह पता नहीं होता। जीवन की 10 अविभाज्य क्रियाएं। आस्वादन, सभी मनुष्य में निरंतर सुख की चाहना बनी हुई है। यह लगातार है, कोई रुकावट नहीं है, कोई मनमानी नहीं है। इसके साथ साथ ही उपलब्धता के आधार पर भोगने का काम भी लगातार हो रहा है। बोरियत क्या है? सभी मानव में सुख की चाहना बनी हुई है। मेरे भीतर सुख की चाहना तो बाकी है, दुख नहीं है, लेकिन सुख नहीं भोग रहा हूँ। सुख की अनुपस्थिति और अधिक भोगना चाहता हूँ, यही बोरियत है। जिंदा रहने की धरातल पर हम करके सुखी होना चाहते हैं, इसलिए सफलता भी अधूरा और अतृप्ति बनी हुई है। जीने के धरातल में हम सुखी होकर करते हैं। सुखी होकर करना, एक स्थिर मन के साथ सुखी होकर करना, समाधान पूर्वक सुखी होना। जब समाधान सुख नहीं है तो पैसे आए तो सुखी हुआ, पैसे नहीं आए तो दुखी हुआ। आज दूसरे के पास ज्यादा आए तो दुखी रहते हैं। आस्वादन, मानव में सुखी सुख की चाहना और सुख भोगना हो रहा है। सुख का रास्ता सुख से जाता है। सुखी होने के लिए कोई संघर्ष नहीं होता। जो संघर्ष पुराने अभ्यास के कारण है, इतने सालों की आदतों के कारण, दोनों साथ चलेंगे। सुख की चाहना निरंतर है, सुख भोगना क्षणिक है। उसी कारण अपूर्णता है। चाहना और भोगना साथ साथ होना आस्वादन है। आस्वादन क्रिया 3 प्रकार की होती है। मानव इन तीनों प्रकार से सुखी होता है। रुचिमूलक, इंद्रियों से सुख पाता हूँ। मूल्यमूलक, संबंध पूर्वक। लक्ष्य मूलक, कुछ पाना। मेरे शरीर की आवश्यकताएं थी, इसलिए वह मेरी सफलता का आधार बन गई। अधिक सुख को पूरा करने की चाहत ही मोटिवेशन का कारण है। यदि मैं खुद को शरीर मानता हूँ, जिंदा रहने की धरातल पर होता हूँ, तो सबसे ज्यादा सुख इंद्रियों में पाएगा। संबंध
में मोहवश जीते हैं, सुविधा पाने को ही सुख मानते हैं। सुविधा ज्यादा से ज्यादा पाने संग्रह करने है। जब मैं खुद को शरीर नहीं मानता, तब मैं मूलभूत आवश्यकताएं समाधान है। तब मेरी मूलभूत आवश्यकताएं समाधान है। मानव में मैं मूल है, तो मेरी आवश्यकता मूल है। इसलिए समाधान मानव की मूलभूत आवश्यकता है। यदि समाधान से सुखी होता हूँ, तो संग्रह समृद्धि में बदल जाता हूँ। समझ की रोशनी में अपनी आवश्यकताएं पहचानना सुखदायी काम है। भरा हुआ छलकता है, यह विश्वास से होता है। खाने में स्वाद लेना और खाने के स्वाद की कल्पना करना, दोनों में अंतर है। सूत्र संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती है। सूत्र मानव में कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, स्वनियंत्रण है, स्वतंत्रता है। सूत्र कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। चयन आस्वादन की क्रिया के लिए निरंतर सुख की अपेक्षा में निरंतर चयन हो रहा है। सारा चयन आस्वादन पूर्वक होता है। जो आस्वादन किया वह भी एक चयन है। मानव के रूप में मुझमें सुख की चाहना बनी है, यह चयन है। तुलन सुख की चाहना के लिए सारा आस्वादन और चयन कर रहे हैं। जब सुखी होने चयन कर रहा हूँ तो ज्यादा सुख दुख के लिए तुलना करता हूँ, यह तुलना है। अधिक सुख और न्यूनतम सुख के विकल्प को आपस से तुलना करता हूँ, वह तुलन है। विश्लेषण तुलना जीवन में करता हूँ। तुलना किसकी करना है? तुलन पूर्वक आस्वादन है के लिए हम विश्लेषण करते हैं। तुलन का मतलब दृष्टि है, नजरिए है, नजरिया है, व्यू पॉइंट है। धरती के सभी मानव छह प्रकार से तुलन कर सकते हैं। प्रिय इंद्रियों को हित, स्वास्थ्य, लाभ, धन, न्याय, संबंध, धर्म, अखंड समाज, सत्य, चारों अवस्थाओं में संतुलित हो। इस रूप में प्रिय हित लाभ जिंदा रहने के लिए दिमाग का पार्ट लाभ को ध्यान में रखकर सोचते हैं। न्याय धर्म सत्य में जीने के लिए तुलन दिल से सोचते हैं। संबंध को केंद्र में रखकर सोचते हैं। प्रिय शराब आभूषण, प्रिय लाभ खाना, प्रिय हित लाभ सेवा, प्रिय हित लाभ न्याय जैविक खेती, प्रिय हित लाभ न्याय धर्म शिक्षा, प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य शिक्षा। तुलन में यदि न्याय की दृष्टि होगी तो प्रिय हित लाभ नियंत्रित रहता है। तुलन में यदि धर्म दृष्टि होगी तो प्रिय हित लाभ न्याय नियंत्रित रहता है। तुलन में यदि सत्य दृष्टि होगी तो प्रिय हित लाभ न्याय धर्म नियंत्रित रहेगा। तुलन में यदि हित दृष्टि होगी तो हित नियंत्रित रहता है। मानव वह नहीं
है, मानव वह नहीं है जिसे भय से नियंत्रित किया जा सके। भाव और विचार को भय से नियंत्रित नहीं कर सकते। मानव भय, प्रलोभन, आस्था से नियंत्रित नहीं होगा, वह स्वनियंत्रित होगा। विश्लेषण तुलन पूर्वक विश्लेषण होता है। मन अक्षयबल संपन्न है। जीवन में सोचने समझने की क्षमता असीमित है। मन चंचल है, निरंतर सुख की तलाश में मन निरंतर शोधरत है। इसका नाम चंचलता है। वह शोध पूरा हो गया तो मन स्थिर रहता है। भ्रमित मानव का मन चंचल होता है, जागृत मानव का मन चंचल होता है। मन मन मुझे आस्वादन क्रिया के रूप में दिखता है, निरंतर सुख की चाहना है, भोगने की क्रिया है। मन में आस्वादन होता है चयन के लिए, जब वह गति चाहता है तब आशा रूप में प्रकट होता है। जब तक मैं जिंदा रहने की धरातल में होता हूँ तो 10 क्रियाओं में से 4.5 क्रियाएं होती है। इसी 4.5 क्रियाओं को मन कहते हैं। मन ही ब्रेन के जरिए शरीर को चलाता है। आस्वादन क्रिया मन है। चयन क्रिया का नाम आशा है। तुलन क्रिया का नाम वृत्ति है। विश्लेषण क्रिया का नाम विचार है। चित्रण क्रिया का नाम इच्छा है। सूत्र एक भी सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती। एक भी गलती इच्छा पूरी एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती। व्यवहार मानव के साथ सुखी होने के लिए किया गया श्रम सुख समाधानित होने के अर्थ में है। क्यों जीना, कैसे जीना निहित है। कार्य मानव के अलावा प्रकृति के साथ सुविधा पाने के लिए किया गया श्रम व्यवहार मेरी जरूरत है। कार्य शरीर की जरूरत है। शरीर को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। मकान, भोजन, कपड़े की उपलब्धता करना कार्य है। विकसित इकाई अपने से कम विकसित इकाई से मन लगाएगी तो किधर जाएगी। थैंक यू। मैं और शरीर, मेरा शरीर माँ बाप से पैदा होता है। मैं जीवन हूँ, मैं माँ बाप से नहीं बना। मेरे यानी जीवन के लिए शरीर उपयोगी और आवश्यक है। शरीर उपयोगी मशीन है पर इसे चलाता मैं हूँ। माँ के गर्भ में भ्रूण सारे 4 महीने तक विकसित होता है। उसके बाद उसमें जीवन का प्रवेश होता है। इसलिए 4.5 महीने बाद गर्भस्थ शिशु हलचल करता है। विज्ञान भी मानता है कि इस समय गर्भस्थ शिशु शरीर को चलाना शुरू कर देता है। मस्तिष्क इतना विकसित हो जाता है कि जीवन उससे शरीर को चला सके। शरीर मरता है है मैं नहीं मरता। शरीर को मरते देखा है। यह शाश्वत सत्य है परंतु जीवन नहीं मरता। मानव के रूप में शरीर और जीवन अलग रियलिटी है। दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग पूरी होती है। शरीर और जीवन का संयुक्त साकार रूप मानव है। शरीर में भौतिक रासायनिक क्रिया होती है, जीवन में नहीं। इसलिए मानव में आचरण आचरण
अनुवांशिक नहीं होता। बच्चों में माँ बाप का रंग रूप रोग ही जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं। आचरण नहीं, माँ बाप के रसायन मिलता है, माँ बाप से रसायन मिलता है। दृष्टिकोण नहीं, दृष्टिकोण स्वीकृतियां हैं। दृष्टिकोण जब भी बदलता है, एक दूसरे के प्रति सुख पूर्वक जीने से होता है। जीवन जीवन की परस्परता में सुख की तलाश में बदलता है। आचरण धन के प्रति मानव के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष के प्रति मानव का दृष्टिकोण, प्रकृति के प्रति व्यवहार का मानव का दृष्टिकोण। जीवन में 10 क्रियाएं भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं है, इसलिए इसका एक्सप्रेशन प्रकटन निरंतर है। चाहत और आचरण में 10 अंग का होना निरंतर है। मानव जाति ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है, जिसमें बोध हो वह बुद्धि है। मानव को व्यवस्था ही स्वीकार है। पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त भी है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। मानव जीना चाहता है, पर्याप्त निरंतर सुखपूर्वक सृष्टि के अनुसार दृष्टि हो जाए, यह कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु है। कार्य और व्यवहार भाव का आदान प्रदान व्यवहार है, वस्तु का आदान प्रदान कार्य है। मानव का शेष प्रकृति के साथ सुविधा पाने के लिए किया गया श्रम कार्य है। भाव के बदले भाव व्यवहार है। सुख क्या है? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था को जीना, दूसरों के जीने में सहयोगी होना, मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना, समाज में व्यवस्था को समझना, प्रकृति में व्यवस्था को समझना। प्रकृति में व्यवस्था, अस्तित्व में व्यवस्था। अस्ति का मतलब है जिस तरह ममत्व, व्यक्तित्व, लोहत्व, बोधत्व, महत्व, धनत्व, नेत्व, उसके होने के अर्थ में है। वह स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है और समय व्यवस्था में भागीदार है। पूरी सृष्टि आपस में एक संबंध में दिखाई देती है। एक परमाणु का संबंध पूरी सृष्टि के साथ है। एक मानव भी पूरे ब्रह्मांड को समझना चाहता है। हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, न्याय का याचक है, सत्यवक्ता है, सही कार्य व्यवहार करता है। माँ बाप शरीर की आवश्यकता को पूरी करते हैं। ज्ञान की पूर्ति शिक्षक से होती है, इसलिए बच्चा शिक्षक को माँ बाप से बड़ा मानते हैं। पूरी धरती के सारे बच्चे ज्ञान के प्यासे हैं, वह ज्ञान की तलाश में आता है। परंपरा में भोगने की तलाश है, इसलिए एक अधूरापन दिखता है। इसलिए मानव में वंश परंपरा नहीं है। खाना भोगने पैसे से संतुष्टि नहीं मिलता। मानव ज्ञान परंपरा है, स्वयं में ज्ञान पैदा करने से ही तृप्ति होगी। जीवन में 3 चीजें जानना है। संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। अस्तित्व अस्तित्व अस्ति प्लस त्व अस्ति इज इक्वल टू है का मतलब होना है, स्थिति है। मानव के बारे में है को मन स्थिति कहते हैं।
इसका मतलब अंदर की गति कैसी है, यानी हाल कैसा है। त्व रहना होना, त्व इज इक्वल टू रहना होना, होना गति है। इसे परिस्थिति कहा, यानी बाहर की गति क्या है, यानी चल यानी चाल। पूरे अस्तित्व में जो कुछ है वह व्यवस्था में भागीदार, वह व्यवस्था में भागीदार के स्वरूप में है। पदार्थ अवस्था को देखे तो उसका रहना और होना प्राकृतिक नेचुरली है। प्राण अवस्था को देखे तो पेड़ पौधे में उनका रहना और होना भी प्राकृतिक है। जीव अवस्था में पशु का होना रहना और चाहना निरंतर है। मानव में उसका होना प्राकृतिक है, शरीर है। सोचना असीम है, चाहत निरंतर है, लेकिन मानव का रहना अप्राकृतिक है। मानव के रहने का मतलब है विचार पक्ष। मानव के रहने का मतलब है मानव का विचार पक्ष। मानव का रहना मतलब जीना है। मानव का जीना मतलब वह कार्य है और व्यवहार करता है। बाकी तीनों अवस्था में होना रहना है। मानव में होना रहना है और रहना और जीना तीनों चीजें है, क्योंकि मानव में सोचने जैसी कोई चीज है। मानव अपने विचार के अनुरूप निर्णय लेता है। पशु में शरीर के अनुसार निर्णय होता है। मानव जैसा विचार भाव रखता है वैसा जीता है। मानव में आचरण, मेरी दृष्टि सृष्टि के अनुरूप हो जाए, मैं जैसा हूँ वैसा मेरा विचार हो जाए, तो मेरा जीना सृष्टि के अनुरूप हो जाए। मानव के अलावा सभी इकाइयों का आचरण निश्चित है। मानव में आचरण निश्चित नहीं। मानव अस्तित्व को जैसा है वैसा समझता है तो आचरण को पहचानता है। जीवन स्वयं के प्रति स्वरूप को नहीं पहचानता है तो स्वयं को शरीर मानकर जीता है। सुविधा से सुख पाने को जीना मानता है। पैसे से कोई अच्छा काम नहीं होता, भाव से अच्छा काम होता है। सूत्र मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। मानव सुखी होना चाहता है और सुखी नहीं होता तो समीक्षा कर पाता है कि सुखी होने का तरीका बदल रहा है। मानव हजारों साल से ऐसे ही विस्तार करता है। जो आदमी धन पद रूप बल यानी सुविधाओं से सुखी होने के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेता है तो वह समीक्षा कर अपने अधूरेपन को पहचान पाता है। तभी बुद्ध महावीर जैसे संत हुए। इस प्लेनेट पर मानव अपनी समझ के दौर में अपने बचपन में जी रहा है। मानव में जागृति आने में समय लगेगा। एक धरती पर कोई से विकसित पेड़ पौधे के स्वरूप में आने में अरबों साल लगे हैं। जीवन चेतना से मानव चेतना मंग गुणात्मक परिवर्तन ही विकास है। पदार्थ अवस्था जड़ संसार मतलब 108 प्रकार के तत्व है। उनमें अणु परमाणु है।
परमाणु अकेले नहीं रहता, वह मॉलिक्यूल बना लेता है लेते हैं अणु मिलकर पिंड बना लेते हैं। इस पिंड को हम कभी मिट्टी के रूप में पहचानते हैं, कभी पत्थर के रूप में, कभी मणि के रूप में, कभी धातु के रूप में पहचानते हैं। यह पदार्थ अवस्था है। एक निश्चित ताप, दाब और नमी में अणु एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो किसके रासायनिक क्रिया के फल स्वरूप कंपाउंड यौगिक बनते हैं। इस यौगिक से एमिनो एसिड बनता है। ये अमीनो एसिड कोशिका के रूप में बनता है। कोशिकाओं से बने हुए पेड़ पौधे और कोशिकाओं से बने हुए पशु पक्षी कोशिकाओं से बने शरीर मिलते हैं। मरने के बाद ये पदार्थ अवस्था में फिर से मिल जाते हैं। ये पदार्थ वापस शरीर बनने में सहायक होते हैं। ऑक्सीजन लेकर पलने वाली इकाई को प्राण अवस्था कहते हैं। चैतन्य संसार जीवन नाम की इकाई को हमने पहचाना, जिसमें सुख दुख का मामला है। सुखी दुखी होने की एकमात्र इकाई जीवन है। जीवन में विचार करने की ताकत है। जीवन जब पशु पक्षी के शरीर को चलाता है तो वह जीव अवस्था है। यही जीवन जब मानव शरीर को चलाता है वह ज्ञान अवस्था है। तो उसे ज्ञान के रूप में पहचाना। पेड़ पौधों में जीवन व्यवस्था को प्रक्रिया माना तो मानव को खाना भी व्यवस्था हो जाएगी। शरीर की एक भी क्रिया निरंतर नहीं है। सांस रुक रुक कर चलती है। शरीर से कोई भी काम निरंतर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह निरंतर नहीं है। लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भी उसे याद रखे। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता, मैं शाश्वत हूँ। मेरी चाहत निरंतर है, मेरी आवश्यकताएं निरंतर है, क्योंकि होन के रूप में उसका होना निरंतर है। जिस तरह से जड़ परमाणु है, उस स्तर पर चैतन्य इकाई के रूप में जीवन अस्तित्व में है। जीवन सुखी दुखी होता है। अपने इवोल्यूशन क्रमानुगत उन्नति विकास क्रम इवोल्यूशन क्रमानुगत उन्नति विकास क्रम में जीवन कभी पशु शरीर को चलाता है, कभी मानव शरीर को चलाता है। विज्ञान में लाइफ का मतलब कोशिकाओं के मल्टीप्लिकेशन से है। प्राण शक्ति कोशिकाओं के पोषण के लिए वायु लेना होता है, इसलिए वह प्राण शक्ति है। जीवन शक्ति इच्छा आशा विचार की शक्ति। कोशिकाएं सांस लेती हैं और बढ़ती हैं। शरीर में जीवन कहा जा रहा है तो वह इकाई जो शरीर को चलाता है, जो निरंतर सुख चाहता है, समाधान से सुखी होता है, किस शरीर को जीवन चलाता है। पेड़ पौधों को जीवन जैसी चीज नहीं चलती। सभी मानव यूनिक इकाई है, एंटिटी है। वह स्त्री पुरुष शरीर को चलाता है। सभी मानव
जीवन रूप में समान है। सभी मानव चाहत के रूप में एक है। सभी में समझने की क्षमता समान है। सभी मानव में पात्रता, योग्यता, क्षमता अलग अलग होती है। मूल क्षमता सभी मानव में समान है और असीम है। मानव में कल्पनाशीलता है, वह उसे किसी क्षेत्र में उपयोग करे तो उस क्षेत्र में दक्ष हो जाता है। स्किल सभी मानव के पास अलग अलग रहेगी। सभी स्किल सीख जाए यह आवश्यक नहीं। सभी अपनी पात्रता के अनुसार ग्रहण किया क्रिया करते हैं। सभी योग्यता के अनुसार अभिव्यक्ति क्रिया करते हैं। सभी क्षमता के साथ निभाना वहन क्रिया करते हैं। जीने को लेकर जितना आवश्यकता बन गई है वह पात्रता पूर्वक समझना होता है, योग्यता पूर्वक समझना होता है, क्षमता पूर्वक जीना होता है। सभी मानव की मूल चाहत समाज है, लेकिन पात्रता, योग्यता और क्षमता अलग अलग है। जितने में उद्घाटित हो गया उतना मानव लक्ष्य उद्घाटित हो गया। पूर्णता के पहले समानता की चाहत है, समाना नहीं है। हम पात्रता, योग्यता, क्षमता से अलग हो जाते हैं, समाधानित होकर समान हो जाते हैं। क्षमता हमारी समझ के अनुसार अलग है। आज हमारी पात्रता काफी बदली है। पात्रता कैसे बढ़ती है, हर आदमी जिज्ञासु है। पात्रता का स्वरूप है, वह पात्रता के अनुरूप समझने और बोलने जाता है। जब उसे जीने के समय पात्रता कम दिखेगी तो सुख दुख होगा। पात्रता बढ़ेगी तो खुशी मिलती है, खुशी मिलती तो सुखी होना चाहेगा। इससे क्षमता बढ़ेगी। अस्तित्व में मानव एकमात्र इकाई है जिसमें पात्रता का विकास होता है। लोहा, सोना, पेड़, मिट्टी, शेर, भालू, जीवित जगत में पात्रता विकसित नहीं होती। जैसा है वैसा आज भी है। संपूर्ण को समझ लेना मानव का मूल कार्य है। जीवन किस शरीर को चलाता है। जीवन एकमात्र इकाई है जो सुखी दुखी होता है, वह शरीर को चलाता है। शरीर में मानने की क्रिया होती है, इसलिए उसे सिखाया जा सकता है। कुत्ता भी अपना नाम पहचानता है, गाय भी नाम पहचानता है। हम किन पशुओं को ट्रेंड कर पाए, जिन्हें हम अपनी बात मनवा पाए, किसे पालतू बना सकते हैं, क्या मक्खी मच्छर को पालतू बना सकते हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि वे एक दो कोशीय जीव है जो आपके अनुसार गतिविधि कर सके उसे ही पाला जा सकता है। जैसे कुत्ता, तोता, कबूतर, डॉल्फिन, मगरमच्छ, हाथी, घोड़ा आदि जो आपके अनुसार काम करे। नाम पहचाने, जिसे सिखाया जा सके वही मेरे जैसा जीवन है। जीवन नाम की इकाई है जो तो है, तो उसमें जीने की आशा है। जीने की आशा है तो भय होगा ही। जीने की आशा बाधित होता है तो भय होगा। जीवन की विकसित मस्तिष्क को ही चलाएगा। विकसित मस्तिष्क को देखकर बताया जा सकता है, मैं जो जीवन हूँ, जो इस शरीर को चलाता हूँ, दूसरे
जीवन किन शरीर को चलाता है उसे पहचाना जा सकता है, पत्थर इसे सीखा नहीं सकते, पत्थर इसे सिखा नहीं सकते, भयभीत नहीं कर सकते, इसमें मस्तिष्क नहीं है, यानी जीवन जीवन इसे नहीं चला सकते। पेड़ पौधे यह इसे सिखा नहीं सकते, ये भयभीत नहीं होते। सूत्र, समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। पदार्थ अवस्था, पदार्थ में दो तरह की घटनाएं हो रही है। एटम के कण एक दूसरे को पहचानते हैं, और लगातार पहचानना और लगातार निर्वाह करना जारी रहता है। पदार्थ में यह काम लगातार हो रहा है। प्राण अवस्था में लगातार कोशिकाएं एक दूसरे को पहचानती हैं, निर्वाह भी करते हैं। खाद, पानी, खनिज, सर्दी गर्मी को पहचानते हैं। पेड़ जमीन के तत्वों को पहचान लेता है। नीम उसी जमीन से कड़वा फल बना देता है। आम उसी जमीन से मीठा। बीज में वह ताकत है कि वह धरती से क्या लेगा, जितनी जरूरत उतना लेगा। जीव अवस्था, पशु शरीर भी कोशिका से बना हुआ है। उसे आचरण में पहचान करना, निर्वाह करना है। उसी तरह मानव शरीर भी पहचान और निर्वाह करता है। ये दोनों क्रियाएं मेरे हाथ में हैं, लेकिन यदि मैं अमृत पी लेता हूँ या जहर पी लेता हूँ तो शरीर के नियम से काम करता हूँ। पशुओं में मानने की क्रिया है, मानने के आधार पर पहचानने की क्रिया और उसके आधार पर निर्वाह करता है। ज्ञान अवस्था, मानव शरीर में ये तीन काम, मानना, मानने के आधार पर पहचानना और पहचानने के आधार पर निर्वाह करना होता है। पशु और मानव के बीच अंतर है। पशु लगती नहीं मान सकती, पशु लगती नहीं मान सकती, मान सही गलत मान सकता है। पशु में भी मानना, पहचानना, निर्वाह भी है, मानव में भी, पर पशु में यह वंश विधि से होता है, मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता से मानना होता है। पशु भय, निद्रा, आहार, प्रजनन से प्रभावित होकर मानता है। मानव में खुद को पहचानने की तलाश है, ज्ञान पूर्वक पहचानता है तो वह मुझे अच्छा लगता है। मेरे खुद को होने का एहसास, यह मेरे लिए खुद सुखदाई है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पूर्ण हूँ, यह पहचानना सुखदाई है। मैं उपयोगी हूँ, दूसरों के सुख में उपयोग हो सकता हूँ। जिंदा रहने से और वंश बढ़ाने से मानव की तृप्ति नहीं हुई, भाव की तृप्ति है। मानना जानने के आधार पर मानने से तृप्ति है। पूरी शिक्षा जानने के लिए है। जानने को मल्टीप्लाई कर सकूं, यह पूर्णता है। मेरी मूलभूत आवश्यकता सुख है। समाधान से सुखी होता हूँ। पदार्थ केवल अणु और मॉलिक्यूल है। पेड़ पौधे कोशिका से बने हुए शरीर है। पशु का शरीर कोशिका से बना हुआ है। पशु शरीर को चलाने वाला जीवन है। शरीर चला सकता हूँ, केवल इतना प्रमाणित कर पाता हूँ। मानव भी सेल से बना हुआ है। मानव शरीर में भी मैं जीवन स्वयं को होन को प्रमाणित करता है। पशु शरीर को चलाते हुए
जीवन दो प्रकार ही कर पाता है, आस्वादन और चयन। मानव शरीर को चलाते हुए जीवन 4.5 क्रियाएं कर पाता है क्योंकि उसमें कल्पनाशीलता है। ये क्रियाएं जिंदा रहने, तृप्ति की तलाश में करता हूं। जिन शरीर की आयु कम होती है उनके बच्चे अधिक होते हैं, कुत्ता, सुअर आदि। जिन शरीर की आयु अधिक होती है उनके बच्चे कम होते हैं, हाथी। हाथी का गर्भ 27 महीने का होता है, मानव का गर्भ 9 महीने का होता है। प्रकृति में यह अनुपात बना हुआ है। इसी तरह जिस अवस्था की जितनी आवश्यकता है वह उतनी ही अधिक मात्रा में उपलब्ध है। पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, पानी, जीव आदि आहार, जैसे खाए अन्न वैसा रहे मन, या फिर जैसे रहे मन वैसा खाए अन्न। मन के आधार पर शरीर चलता है। मन का निर्णय है कि क्या खाना है। अन्न से मन प्रभावित होता है, लेकिन क्या एक विकसित चीज अधिक विकसित चीज को प्रभावित कर सकता है? जो जीव मांसाहारी होता है वे जीभ से पानी पीते हैं। उनकी आंत लंबी होती है ताकि पाचन हो। उनके दांत नुकीले होते हैं। उनके शरीर में पाचन के एंजाइम ऐसे पैदा होते हैं, जबकि शाकाहारी होंट से पानी पीते हैं, दांत नुकीले नहीं होते, आंत छोटी होती है। मानव व्यवहार में शाकाहारी ही है। धरती में रासायनिक खाद के कारण उन तत्वों की कमी हो रही है जिससे सभी पोषित हो, भूमि की उर्वरता बढ़े, बीज की क्वालिटी बढ़े, वंश की क्वालिटी बढ़े, आदमी की क्वालिटी बढ़े। अस्तित्व 84 लाख योनि, पानी के जीव 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, देवता मानव 4 लाख। यानी हम कोशिका से बनी हुई सारी चीजों को जीवन मान लेते हैं तो जीवन को नहीं पहचान पाए। जीवन में एक ही इकाई है। यह जीवन पशु शरीर को चलाता है तो दो क्रियाएं आस्वादन चयन से संचालित होती है। यही जीवन मानव रूपी शरीर को चलाता है तो 4.5 क्रियाओं को व्यक्त करता है। यह जीवन 10 क्रियाओं को चलाया है तो मानव हो जाता है। पेड़ पौधे कभी सुखी दुखी नहीं होते। वे किसी प्रभाव को पहचानता नहीं होता है। पृथ्वी 1,09,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य के चक्कर लगा रही है। वह खुद का भी चक्कर लगा रही है। चंद्रमा खुद का चक्कर लगाते हुए 3,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। 7.20 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल गैलेक्सी के चक्कर लगा रही है। 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गैलेक्सी चक्कर लगा रही है। यह पूरा काम हार्मनी के साथ मेंटेन है। 20 क्रिया की अवधि, काल समय, जो कुछ भी है उसमें मूल रूप में दो तरह की इकाइयां हैं। एक जड़ इकाई, दूसरा चैतन्य
इकाई, जिसे हम जीवन के रूप में पहचानते हैं। जड़ परमाणु को हम पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था के रूप में पहचाने हैं। जड़ परमाणु को जीव चलाता है। तो जीव को शरीर और मानव शरीर को ज्ञान स्वरूप में संचालित करता है। यह सभी इकाइयां निश्चित आचरण के साथ है। मानव भी निश्चित आचरण चाहता है। उसके भाव विचार निश्चितता के साथ चले, उसी को नियम बोलते हैं। सभी नियम से है, उसे नियति कहते हैं। यह भी समझ आता है कि यह सभी इकाइयां क्रियाशील है। सभी इकाइयां मानव के अलावा स्वनियंत्रित है, एक दूसरे के पूर्व और व्यवस्था में भागीदार है। अस्तित्व में व्यवस्था, अस्तित्व में कुछ इकाइयां हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन खाली स्थान भी है, यानी खाली स्थान अनंत है। इसे सीमान नहीं है, इसकी सीमान नहीं है, इसलिए असीम है। यह अनंत नहीं, क्योंकि अनंत भी गिनती के साथ है। अनंत शब्दों की इकाइयों के साथ जुड़ा है। असीम शब्द जिसकी सीमा न पहचान सके, शून्य, अंतरिक्ष, आकाश, वैक्यूम, पूरा ब्रह्मांड में असीम अवकाश में घूम रहा रही है, उसे खाली स्थान कहा। सारी इकाइयां खाली स्थान में हैं। जड़ चैतन्य इकाई खाली स्थान में है। किसी धरती की सतह से लेकर गैसीय वातावरण तक आकाश कहलाता है। किसी धरती का वायुमंडल आकाश है। आकाश के बाहर की चीज अंतरिक्ष है। असीम आकाश में अनंत इकाई स्थित है। वह स्पिन मोशन में और ऑर्बिट मोशन में है। खाली स्थान एक ऐसी वास्तविकता है जिसे मैं पारदर्शी देख पाता हूँ। पारदर्शी वास्तविकता है। खाली स्थान सीमित वास्तविकता है या फैली हुई वास्तविकता। यह फैली हुई वास्तविकता है। इसलिए व्यापक है। खाली स्थान में न जोड़ सकते हैं, न टुकड़ा कर सकते हैं। इसलिए यह अखंड है। इकाई मॉलिक्यूल से बनी है। इकाई के चारों ओर खाली स्थान है, उसके भीतर भी खाली स्थान है। किलोमीटर के फैलाव को केवल 1 फुट में रख सकते हैं। खाली स्थान से मुक्त कोई स्थान इस धरती को दबाने का कोई मैग्निज्म हो तो उसमें फुटबॉल जितना मैटर है। 12,800 किलोमीटर के फैलाव को केवल 1 फुट में रख सकते हैं। खाली स्थान से मुक्त कोई स्थान नहीं है। खाली स्थान अपने आप में असीम है, व्यापक है, पारदर्शी है, अखंड है। केवल 2 ही चीजें हैं, एक स्पेस और दूसरा इकाई। स्पेस में इकाई और इकाई में स्पेस में भी स्पेस। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां खाली स्थान नहीं, और ऐसी कोई इकाई नहीं जहां खाली स्थान नहीं। अब यह समझा कि सभी इकाइयां क्रियाशील है। धरती से एटम तक क्रियाशीलता का अर्थ गति तरंग दबाव के रूप में क्रिया नजर आता है। वह बल संपन्न होगा, क्योंकि बल के बिना
क्रिया नहीं है। यदि बल उपलब्ध है तो सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न है। बल के लिए ऊर्जा की जरूरत है। बल ही क्रिया के स्वरूप में व्यक्त है होता है। सृष्टि की सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न है। तो सृष्टि की सभी इकाइयों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? मानव को विचारों की ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सभी इकाइयों में ऊर्जा होगी तो सभी में तारतम्यता होगी या मनमानी दिखेगी। सभी इकाइयां हार्मनी में हैं। एक सूत्र में है। सृष्टि की सभी इकाइयों को के ऊर्जित होने का स्रोत एक है। तभी एक दूसरे से संबंध पहचानते हैं। क्या चीज है जो सभी इकाइयों को प्राप्त है? खाली स्थान सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है। इकाइयों को खाली स्थान से बाहर नहीं निकाला जा सकता, हमेशा के लिए है। इकाई का रूप बदल सकते हैं लेकिन खाली स्थान में ही रहेगा। इकाई हमेशा खाली स्थान में है। सृष्टि की सारी इकाइयां खाली स्थान से संबंध को पहचानती है। इकाइयां क्रियाशील है। यह समझ आता है कि जहां इकाई नहीं है, खाली स्थान है, अंतरिक्ष है, वहां क्रियाशीलता नहीं है। खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है, इसलिए यह क्रिया शून्य है। क्रियाओं के समूह का नाम इकाई है। सभी इकाइयों में क्रियाशीलता है। खाली स्थान खाली नहीं है। खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। हमारी मान्यता ऊर्जा से क्रिया की है। जहां ऊर्जा वहां क्रिया। हमारा यह तर्क जड़ संसार से आता है। जड़ संसार में सब कुछ बदल जाएगा लेकिन चैतन्य संसार परिवर्तनशील नहीं है। जो जड़ संसार का नियम है वह भौतिक संसार में लागू नहीं होता। मेरी दृष्टि को सृष्टि के अनुरूप होना है क्योंकि सृष्टि किसी नियम से है। वैसी दृष्टि रखनी होगी। खाली स्थान खाली नहीं, ऊर्जा स्वरूप है। यहाँ सभी इकाइयों के ऊर्जा का स्रोत है। हर जगह भरी हुई है। खाली स्थान से भरी है। विश्वास हमें किसी इंद्रिय से समझ नहीं आता। यह न छूने से समझ आता है, न सुनकर न देखकर समझ आता है। विश्वास इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। पहचानता हूँ विश्वास को। जीने का कोई सामान इंद्रियों से नहीं दिखता। खाली स्थान खाली नहीं है। यह ऊर्जा स्वरूप है। परमाणु के अंदर न्यूक्लियस है। खाली खाली स्थान में है। वह क्रियाशील है, ऊर्जित है, यानी उससे भी खाली स्थान से आर पार है। खाली स्थान सभी इकाइयों से आर पार है। इसका प्रमाण है कि वह खाली स्थान भी क्रियाशील है। सृष्टि में कहीं भी स्थान नहीं है। जहां खाली स्थान नहीं है वहां वहां
भी ऊर्जा है। खाली स्थान या कहां से एटम कहां से आया? यदि खाली स्थान क्रिया शून्य है, न आया न गया है, यह है और है। आया गया की मान्यता जड़ इकाइयों के साथ जड़ी मान्यता है। आना भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है। क्रिया शून्य में न आना है न जाना है, न यह जन्म लिया न खत्म हुआ, इसलिए यह अजन्मा है। इसमें से न कुछ कम किया जा सकता है न कुछ जोड़ा जा सकता है, इसलिए यह स्थिति पूर्ण है। जो कम अधिक से मुक्त है यानी पूर्ण है। खाली स्थान को किसी से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसका एक नाम अप्रभावित है। इसके जैसा दूसरा नहीं, इसलिए इसका एक नाम अद्वितीय है। सूत्र: हर इकाई मूल ऊर्जा में होने मात्र से अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। जड़ संसार मूल ऊर्जा को पाकर मैं होना मात्र से क्रियाशील के रूप में व्यक्त होता है। प्राण संसार मूल ऊर्जा को पालक स्पंदनशील के रूप में व्यक्त होता है। सारा लेना सिकुड़ना कोशिकाओं का संकुचन ही स्पंदनशीलता है। जीव संसार मूल ऊर्जा को पाकर आशाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। भ्रमित मानव मूल ऊर्जा को पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जागृत मानव मूल ऊर्जा को पाकर संज्ञानशीलता ज्ञान स्वरूप में व्यक्त है। सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। इकाइयां और मूल ऊर्जा को अलग नहीं किया जा सकता। इकाई बोलने ये खाली स्थान अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है। यह ऊर्जा है, पूर्ण है, स्वयं क्रिया शून्य है। समस्त इकाइयों में क्रिया का आधार है। सृष्टि में संपूर्ण इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। पूर्णता को व्यक्त करना है, निश्चित आचरण के स्वरूप में व्यक्त करती है। परमाणु मूल ऊर्जा की पूर्णता में ऊर्जित है। ऊर्जित होने के कारण व्यवस्था में होने की प्रकृति है। मानव भी मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, उसके भी व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है। उसमें व्यवस्था की समझ नहीं है, व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है, इसलिए समझने की पात्रता है। समझना परंपरा में नहीं है। जिंदा रहने को जीना मानता हूँ। इंद्रियां हमें सुख से परिचय कराती हैं। यह शरीर को चलाने और नए शरीर बनाते रहने के लिए आवश्यक है। पूर्णता के पाने के लिए पीड़ा है, वह इंद्रिय है। सुख कहाँ है, उसकी तलाश पैदा करती है। शादी एक से, भावपूर्ण संबंध पूरे संसार से। सूत्र: समझो कि हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही संबंध हो सकते हैं। यह
हो सकते हैं, या तो वह पति पत्नी होते हैं या भाई बहन होते हैं। भाई बहन का मतलब राखी बांधना नहीं। मैं अविवाहित हूँ तो दूसरी स्त्री को शरीर भाव से देखूं कि पवित्र भाव से देखूं? पवित्र भाव से। उनमें से किसी एक के साथ जीवन जीवन साथी हो जाता हूँ। मैं दुखी होना नहीं चाहता। मैं सही भाव से देख सकता हूँ। शारीरिक संबंध का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को जीवन देने की घोषणा करने का नाम शादी है। संबंध में जीने की तैयारी भी मेरी नहीं दिखती है, कल्पना लोक में भी। प्रलय धरती के एक दिन नष्ट होने की मान्यता है। जितने भी भौतिक रासायनिक वास्तविकता है वह स्वयं में नहीं रहेगी, मानव शरीर नहीं रहेगा। नीम का पेड़ धरती में रहेगा, जवानी की निरंतरता है, बुढ़ापे की भी और बचपन की भी निरंतरता है। जो भी चीज स्वयं में नहीं 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 उनकी निरंतरता परंपरा में है। बीच का अपने अस्तित्व को बनाए रखने मल्टीप्लाई करता है। जीव जीव के रूप में अपनी अस्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने वंश बढ़ाता है। मानव ने वंश को मल्टीप्लाई किया है। मानव ज्ञान परंपरा है, उसने ज्ञान परंपरा को मल्टीप्लाई नहीं किया। जड़ अपने में परिवर्तनशील है। परमाणु हमेशा रहेगा। जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। जीवन शरीर को चलाता है, शरीर के बाहर भी रहता है, वह कभी मरता नहीं। जागृत भ्रमित होता है। धरती इवॉल्व हो गई, चार अवस्थाएं प्रकट हो गई। मानव जागृत हो गया तो धरती मृत्यु लोक से जागृत लोक में बदल जाएगा। शिक्षा पूर्वक जागृति की परंपरा आ जाए तो धरती को उपयोगी बना पाएगी। प्रलय नहीं होगा। मानव के जागरूक का स्कूल होगा। मानव के प्रकटन के लिए प्रलय हुआ है। एक बार विकसित हो गए तो दूसरी बार प्रलय की संभावना नहीं। यदि कोई प्लेनेट धरती के रूप में विकसित नहीं हो सके तो दूसरे ने मर्ज हो जाता है। दूसरे ने मर्ज होता हो जाता है। इवोल्यूशन होगा ही। जो कुछ भी परिवर्तन ब्रह्मांड में होगा वह इवोल्यूशन आगे आगे जाने के लिए होगा। कभी धरती में बड़े बड़े पेड़ थे, जो आज धरती के नीचे है वे कोयले के रूप में बदल गए हैं। उन्हें जलाने से कार्बन मोनो ऑक्साइड निकलता है, जबकि धरती के ऊपर पेड़ों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। केवल धतूरा ऐसा पौधा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। भूकंप हो या कुछ और, कोई भी परिवर्तन धरती अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए लाता है। मानव भी जो कुछ पाना छोड़ना चाहता है वह अपनी स्थिरता के लिए चाहता है। पूरी सृष्टि इसी तरह है।
जो इकाई परंपरा के रूप में है, जीवन रूपी इकाई होने के स्वरूप में है। धरती पर प्रलय नहीं होगा, वह मानव के लिए बना ही रहेगा। खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है। सभी इकाई मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। इकाई खाली स्थान में घूमती है। इकाई कहने से वह सअस्तित्व ही है। अस्तित्व सअस्तित्व है। इकाई को खाली स्थान से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इस खाली स्थान को एक संज्ञा में शुद्ध कहा, यह शुद्ध भी है। शुद्ध को बोला सुखदाई है। हम इकाई को देखें तो इकाई का रूप है, कार है, भार है, धन है, मांस है। चैतन्य इकाई में रूप है, आकार है, आयतन है, मांस है, पर धन भार नहीं है। खाली स्थान में रूप नहीं है, आकार नहीं है, निराकार है, यतन नहीं है, भार नहीं है, मांस नहीं है। जीवन में आशा आशा विचार जीवन में आशा विचार इच्छा को कल्पनाशीलता कहते हैं। कल्पना से संबंध को पहचानते हैं। भाव भाव की स्वीकृति भाव है। भाव की स्वीकृति भाव है। मैं किसी चीज को पहचानता हूँ तो विश्वास पूर्वक जीता हूँ। मैं संबंध को नहीं पहचानता तो मैं संबंध के साथ तदाकर नहीं हो पाता। भाव और विचार ही सुख का कारण है। भाव में रूप आकार भार नहीं है। भाव व्यापक वस्तु है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जीवन और मूल ऊर्जा के सह अस्तित्व के प्रभाव में आशा विचार इच्छा भाव का लक्षण व्यापक लगता। भाव अपने आप में असीमित है, व्यापक वस्तु है। जीवन और व्यापक वस्तु में रू में सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव है। प्रभाव व्यापक वस्तु नहीं, क्रिया शून्य है, होने से ऊर्जित है। जीवन रूपी इकाई का व्यक्त होना भाव है। भाव के लक्षण व्यापक व्यापक जैसे प्रकट होता है, वह शुद्ध है। धरती के सभी व्यक्तियों की मूल चाहत सुख ही क्यों है? सूत्र, क्योंकि मूल ऊर्जा पूर्ण वास्तविकता अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। मूल ऊर्जा विचार काल में समाधान सुख के रूप में प्राप्त है। मूल ऊर्जा आचरण काल में अभय तृप्ति न्याय के रूप में प्राप्त है। व्यवसाय काल में समृद्धि या प्रकृति में संतुलित नियम के रूप में प्राप्त है। नियम न्याय समाधान सुख आनंद असीमित है या सीमित, इसमें न रूप है, न आकार है, न धन है, न मांस है, इसलिए असीमित है। व्यापक वस्तु की लक्षणिकता जीवन जीवन से व्यक्त होती है। भौतिक भौतिक क्रिया सजातीय अणु एक दूसरे को पहचानते हैं और व्यक्त होते हैं।
रासायनिक क्रिया दोनों पहचानते हैं और मिलकर अपने आचरण को छोड़ देते हैं, जैसे H2O जड़ इकाई मूल ऊर्जा में उर्जित होने के आधार पर भौतिक क्रियावश क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जड़ इकाई मूल ऊर्जा में उर्जित होने के आधार पर रासायनिक क्रियावश प्राण संसार में व्यक्त होता है। चैतन्य इकाई मूल ऊर्जा में उर्जित होकर जीवन के आधार पर जीवन क्रिया के रूप में व्यक्त होता है। चैतन्य इकाई मूल ऊर्जा में उर्जित होकर जीवन क्रिया के फल स्वरूप ज्ञान अवस्था मां प्रकट होता है। जड़ परमाणु संसार का अधिकतम एक्सप्रेशन धरती है, जैसे पेड़ पौधे की उगने की अनुकूलता होने जड़ परमाणु ऐसे व्यवस्थित हुए। कोशिका संसार का अधिकतम एक्सप्रेशन यह है कि वह ब्रेन सेल जो फिजिकल केमिकल है के साथ कंटेंट हो सका। ब्रेन इतना विकसित हुआ कि वह जीवन के साथ जीवन क्रिया के बीच की वास्तविकता को कंटेंट कर पाया। जीवन इतना विकसित हो जाए कि व्यापक वस्तु को पहचान पाए। यह मानव का एक्सप्रेशन है। सूत्र कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है। फैला हुआ ऐश्वर्य है, नदी नाले पशु पक्षी आदि, ये सभी ऐश्वर्य फैला। इसके मूल में तीन क्रिया मूल ऊर्जा में उर्जित है। ईश्वर संपूर्ण ऊर्जा का आधार है, इसलिए एक परंपरा ने ईश्वर कहा। कण कण में है ईश्वर या ईश्वर में है कण कण। अल्लाह खाली स्थान पैदा नहीं हुआ, न खाली स्थान से कोई पैदा हुआ, फैली वस्तु है, इसके जैसी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है, इसलिए दूसरी परंपरा ने उसे अल्लाह कहा। व्यक्ति मानव संपूर्ण को समझ सकता है, समझकर व्यक्त कर सकता है, इसलिए व्यक्ति कहा। मानव जो मन से संचालित है उसका नाम मानव है। ब्रह्मांड ये फैली हुई वस्तु है, ब्रह्मांड ये फैली हुई वस्तु है, इसलिए ये ब्रह्म भी है। इसलिए ब्रह्मा में अणु जो इकाई है उसे ब्रह्मांड कहा। खाली स्थान एक वास्तविकता है, यह पूर्ण वास्तविकता है, इसे पूर्णता के रूप में पहचाना। यह कम अधिक से मुक्त है, इसलिए पूर्ण है। मूल ऊर्जा में उर्जित सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में है। सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में है। मानव में भी इसकी प्यास है। मानव ने जिंदा रहने में पूर्णता को व्यक्त किया। व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में भागीदार होना पूर्णता के अर्थ में है। जीवन को 10 क्रियाओं का अविभाज्य अंग कहा। आस्वादन एक क्रिया है। दूसरी क्रिया चयन है, तीसरी तुलन, चौथी क्रिया विश्लेषण और पांचवा चित्रण। आस्वादन क्रिया का नाम मन है, चयन क्रिया का नाम आशा है, विश्लेषण क्रिया को विचार कहते हैं, चित्रण क्रिया को आशा कहते हैं, तुलना क्रिया को वृत्ति कहते हैं। धर्म प्रकृति ने में देखे तो जिसके जिससे अलग न किया जिसको जिससे न अलग न किया किसी किया जा सके वह उसका धर्म है।
यदि अवस्था रूप में देखे तो पदार्थ से उसके होने को अलग नहीं नहीं किया जा सकता, तो होना अस्तित्व उसका धर्म है। प्राण अवस्था में देखे तो मूलत अणु परमाणु है, कोशिका के रूप में पुष्टि उसका धर्म है। वनस्पति है तो उसमें ग्रोथ को रोकी नहीं जा सकती। जीव अवस्था में पशु शरीर में होना और पुष्टि धर्म है ही। पशुओं में जीने की आशा उसका धर्म है। पशु में जीने की आशा उसके जिंदा रहने की आशा है। इसे रोक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, यह संभव नहीं है। मानव में सुख पूर्वक जीने की आशा है। मानव है जिंदा रहने सुख की आशा को खत्म कर दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। पदार्थ का धर्म अस्तित्व है, प्राण का धर्म अस्तित्व पुष्टि है, जीवन का धर्म अस्तित्व पुष्टि जिंदा रहना, मानव का धर्म अस्तित्व पुष्टि जिंदा रहना और सुख पूर्वक जीना है। धर्म किसी के इकाई के होने का प्राकृतिक स्वरूप है। सो प्लीज फ्रेंड्स, सब्सक्राइब राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर अनलिमिटेड हैप्पीनेस। थैंक यू। हरिहर सभी को। थैंक यू वेरी मच।